सबई कर प्रभुपाद की, सबई कर गौर हरि की, पिता की गौर प्रेमानंद देव हरि कृष्ण। एक मिनट, हरि कृष्ण महामंत्र जप कर। बोला हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम हरि Yeah.
हैं, उसी तरह से व्यास देव का जन्म तिथि है, अरे उन्होंने श्री महाप्रभु के गले में क्यों माला पहना? तब उसका उत्तर देते हैं, कहते भगवान की 6 अवतार है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब इसी पृथ्वी के ऊपर में गो ब्राह्मण साधु संत के ऊपर में अत्याचार होने लगता है, मैं ही युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता और दुष्टों को मैं पालन करता हूँ। कौन करता है? चलो भगवान कृष्ण ही करते हैं। इसलिए भगवान की जो 6 अवतार हैं, उनका सत्यावेश अवतार, इनके आवेश अवतार, इनकी हैं इनकी गुणा अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, कहते कृष्ण ही ये जितने सारे अवतार भगवान कृष्ण ही धारण करते हैं, और अलग अलग समय पर भगवान अलग अलग समय पर आते हैं। कृष्ण तो विशेष द्वापर युग में एक बार आते हैं, वो बार बार नहीं आते, जैसे भगवान राम तृतीया युग में एक ही बार आते, लेकिन अलग अलग समय पर भगवान कभी कभी अपना शक्ति को किसी जीव को अंदर में शक्ति दे करके जगत में आते ही, कुछ गुण दे करके जगत में आते ही वो काम को भगवान कर लेते हैं। इसलिए उसी दिन से व्यास देव जी का जन्म तिथि है, कहती है व्यास देव एक और बोले सिर्फ व्यास देव भगवान कृष्ण का ही ये सत्यावेश होता है। जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, जब महाप्रभु की महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण दोनों मिल करके कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, जब श्री महाप्रभु को पूजा कर दिया ना, ये सबका पूजा अपने आप हो गया, सबकी पूजा अपने आप हो गया है। इसलिए उन्होंने श्री माला उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु पहले जी उन्होंने माला को डाला, जैसे आज श्री व्यास देव का जन्म है। कहते ये व्यास देव का क्यों किस लिए जगत में अवतरित हुए? कहते द्वापर समन प्राप्त तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी दासव्याम कलया हरे। जिस समय के धीरे 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 के शास्त्र ग्रंथ धीरे 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 अंतर ध्यान हो रहा था, एक दिन श्री पराशर ऋषि जमुना पार करते हुए दूसरे तरफ में आए थे, लेकिन जब वापस जा रहे थे उसी समय हो गया था सांप, अभी टेबल परिश्रम करते करते वो लेट गया था, इतने में ऋषि ने आवाज लगाई बोले कोई हो तो हमें ये जमुना नदी हमें पार करा दो। केवट ने अपना बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती, बोले बेटी बाबा आए हैं, थोड़ी सी बाबा को तुम यमुना करा पार करा दो। जब पार कर रहे थे ठीक उसी समय में श्री पराशर ऋषि ने देखा है जो बेटी है ये कोई साधारण नहीं, तब उनको पर में उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से दर्शन करते ही उसी समय में ही श्री व्यास देव जी प्रकटित हुए। बोले श्री व्यास देव की कमल की तरह स्तर बना। इसलिए जब श्री व्यास देव जी जन्म हुए इसलिए इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वई पायण व्यास। कृष्ण मतलब होता है काले, श्री व्यास देव जी देखने में श्याम रंग थे इसलिए इनका नाम बोले कृष्ण, बोले द्वई पायण मतलब होता है वो दीप से प्रकट हुए, और वेद व्यास मतलब होता है पहले वेद एक था, एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया, इधर आता इधर उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया है, तब भी उनको संतोष नहीं मिली, तब उन्होंने हैर उन्होंने ये उपनिषद को उन्होंने फिर प्रकटित किया है। ये वेद मतलब क्या है? मतलब वेद अतीति वेद, जो भगवान को बारे में बताता है, जो भगवान के बारे में जो बताता है वो उपनिषद का मतलब क्या है? बोले जो भगवान को पास में जीव को पास करा दे, इसलिए उसका नाम मतलब पास में जो जीव को ले जाए, तब भी मन में संतोष नहीं, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र रचना किया लेकिन तब भी शांति नहीं मिली, फिर उन्होंने 17 पुराण को प्रकट किया तब भी मन में शांति थी,
देखा शूद्र और स्त्रियों को वेद में अधिकार नहीं, पर पंचम वेद श्री महाभारत ग्रंथ तब भी मन को शांति नहीं मिली। तब से नारद जी बिना बजाते बजाते से नारद जी आए, बोले व्यास देव लगता है तुम्हारे मन में संतोष नहीं। बोले गुरु जी अब तो गुरु सब जानते हो, मेरे मन में शांति नहीं है। मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों को मैंने रचना की, जीव का कल्याण हो उद्धार हो, लेकिन मन को बिल्कुल शांति नहीं मिल रही है। बोले गुरु जी आप ही बता सकते हो ये मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। तब श्री नारद जी बहुत अच्छी बात बताई, बोले जथा धर्मदय सार्था मुनि वर्या न तथा वासुदेवस्य महिमा जन वर्णित। बोले नारद, बोले श्री व्यास देव इसलिए तुमको मन में शांति नहीं है, तुमने जो दूसरे दूसरे धर्मों को जितने पढ़ा चढ़ा करके बताया ना, लेकिन तुमने भगवान की जो महिमा जस को तुमने उतना दीन खोल करके नहीं बोला। तुमने ये बताया कैसे पैसा कमाओ, कैसे उसको दान करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, ब्रह्मा और उपस्मिनका को साथ में खूब भोग करो, लेकिन उस बात में क्या बकरे संसार में क्या स्वर्ग का इंद्र सुखी है कुछ लोग। बोले नचेन्द्र से सुखम नास्ती, स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं। बोले न सुखम चक्रवर्ती ना, बोले पृथ्वी का राजा को पूछ लो तुम सुखी हो, वो भी सोचता होगा पता नहीं अगली बार वोट में आना कि नहीं। हम तो चैन से सो जाते हैं, उनको पूछो उसका चैन है। इसलिए बोले देखो स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, कोई थोड़ी सी भजन करना शुरुआत करना पहले इसको आसन टकोगना नहीं लग जाता। पता नहीं कितना बार स्वर्ग इंद्र बन गया, कितना बार कितने दुर्गत स्वर्गों की जो राजा की स्थिति है। इसलिए तुमने कि तुम कैसे विषय भोग कर ये बात को तुमने बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन भैया ये संसार में कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, बहू से दुखी, सास से दुखी, ननद से दुखी, पैसा से दुखी, पड़ोसी से दुखी, काम से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। इसलिए तुमने ये दुनियादारी बात तो बहुत बता दिया, लेकिन इसमें आत्मा को शांति इससे नहीं मिलेगी। बोले ये आत्मा को शांति कब मिलेगी, बोले जब तक ये जीव भगवान की आराधना नहीं करे, भगवान की भक्ति नहीं करे, तब तक ये आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती है। अभी तुम ये बात बताओ, जीव का जो परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, ये बात को अच्छे तरह से बताओ। गुरु जी कहा करते थे, बोले तुमने बोले हमने तो दूसरे दूसरे पुराणों में भी हमने भी भगवान की कथा हमने बोली है। बोले बोला तो है, लेकिन तुमने ये क्या बताया, कृष्ण स्वयं परात्पर परम ब्रह्म भगवान होते हुए भी सखाओं का सखा बनेगा, सखाओं को हमने झूठ बने कहा है, कभी सखाओं के साथ में हार जाते हैं, कभी घोड़ा बन जाते हैं। अगर कभी घोड़ा नहीं बने ना, कभी कृष्ण हार गए, सीधा कलकन्या घोड़ा बन, पहले मैं घोड़ा बना, अभी तो घोड़ा बन गल नहीं बनूंगा। सीधा कहते इसको अलग कर दो, उससे बात बोल दो, बात मत करो, इसको अकेला कर दो। कृष्ण कहते नहीं नहीं भाई, घोड़ा बन जा, पीठ पर बैठ जाए, चलो माठ पर कर ले चलता। बोले ये बात हमने लिखी है, कृष्ण भगवान हो गए कि हरिहर में पत्थर चोरी करते हैं, भैया उनको कुंभल में डालते हैं, ये बात लिखी हो। जब कृष्ण मिट्टी खाते हैं, भैया जाकर सीधा कान पकड़ती है और कहीं नहीं। बोले चोर चोटे घर में मखने की कभी तुम मिट्टी खा रहे हो, आप पवित्र कभी ये बात लिखी, भगवान हो करके भैया के प्रेम में बंध गए कभी बात लिखी, कृष्ण हो करके अगर राधा रानी मान करती हैं, कृष्ण इनके चरण गिरते रहते हैं कभी लिखी हो। बोले लिखा नहीं, पर इसलिए तो शांति नहीं मिल रहा है। अगर तुम शांति बनना चाहते हो, वृंदावन की भगवान कृष्ण की दीप प्यारी प्यारी भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को बरतना करो, यही आत्मा की आहार है, यही आत्मा की यही आहार है, इससे शांति मिलेगी, पीछे बात मत करो। इसलिए बाबा जी को मना करो, चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए कहते जब तक तुम भगवान की महिमा को हृदय खोल करके दिल खोल करके तुम नहीं बताओगे, शांति कभी नहीं मिल सकती। इस
इसलिए व्यास दंती कत भक्ति योगे न संगत प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषं पूर्णं माया च तत् अपासे। तब से व्यास दंती अपना भक्ति को समाधि को बड़ा समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होने पर उन्होंने अपना शुद्ध दृष्टि से फिर क्या देखा, भगवान का नाम को दर्शन किया, बोलो वृंदावन को देखा, कैसे भगवान कृष्ण कल्प वृक्षों को नीचे खड़े हुए, कैसे कृष्ण दिव्य रास कर रहे हैं, कैसे भगवान चरित्र में मग्न चोरी कर रहे हैं, कृष्ण कैसे भगवान होकर के सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए जाते हैं, कैसे जल विहार करते हैं। उन्हें भगवान पूरा दिव्य लीलाओं को उन्हें देखा, उन्हें दर्शन करते हुए और क्या देखा, प्रभु की लीलाओं को दर्शन किया। और ये भी देखा जो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं, कैसे माया के संसार में कैसे उसको कोड़े मारना है, क्या मार रहा है, कोड़े मार रहे हैं संसार। लेकिन आश्चर्य के बाद ये देखा माया तो सबको कोड़े मार ही रहे हैं, लेकिन माया से कोई नफरत नहीं करती, जितना माया कोड़े मार रहे हैं ना उतना चुपके हुए जा रहे हैं, है कि नहीं। देखना घर का जो मालिक है वो पैसा कमाता है, परिवार को पालना करता है, घर में सुनकर गाली सुनता है, नहीं बोलो गाली सुनते ही नहीं, लेकिन गाली सुन करके उसको क्या नफरत होता है, उतना चुपक हुए जा रहा है वो, उतना संसार में आसक्ति जितने ठंडा करता है उतना चुपक हुए जा रहा है। इसलिए प्यार करने किसी चीज को दर्शन किया है, बोले भैया जीव का इससे कल्याण नहीं होने वाले, जीव का इससे कल्याण नहीं होने वाले। बोले कल्याण कब होगा, जब भगवान की कथा को सुनेगा, जब भगवान की भक्ति करेगा, भजन करेगा, तभी जीव को शांति मिलेगी, तभी जीव को शांति मिलेगी। इसलिए श्री प्यार गंथ ने क्या की, ये श्रीमद भागवत ग्रंथ को उसने, श्री भागवत ग्रंथ को उसने वर्णन किया, भागवत ग्रंथों को वर्णना करके फिर उनको परम शांति परम आनंद तभी प्राप्त हुआ। इसलिए हम सबके साथ व्यास पूर्णिमा में इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अगर श्री व्यास देव नहीं होते, अगर ये भागवत ग्रंथ नहीं लिखते, पुराण नहीं लिखते, उपनिषद ब्रह्मसूत्र नहीं लिखते, फिर हम क्या करते, भगवान के बारे में पता ही चलता, फिर तो बोलते भगवान बड़ा शून्य ही जीरो जीरो से आए जीरो के लिए लीन हो जाए, भगवान भगवान कुछ नहीं, हाँ भगवान भगवान कुछ नहीं। और शास्त्र क्या कहता है, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख हो करके अभी तक जीवन में किसको शांति सुख मिल जाएगा, वही व्यक्ति उतना ही सुखी है कि जितना प्रभु के चरण में मन को लगाया है, जितने लगाया ही वो व्यक्ति उतना सुखी है। और जो व्यक्ति जितने भगवान भक्ति से दूर है, गोस्वामी जी कहते हैं गदकारी मत है हरीत सिद्धता ते वरुते बिनु हरी भजन न भवत यज्ञ संध्या ते, कहते भले ही रेती को कोई पीस पीस करके तेल निकाल दे, रेती से कभी तेल निकलती है नहीं, कभी इसको मैं मान सकता हूँ, कोई बोले पानी को मंथन करते करते रेती निकाल दिया निकलती है, कभी यज्ञ में मान सकता हूँ, कोई बोला आकाश में फूल खिल गया, कभी फूल खिलता है, बोले यज्ञ में मान सकता हूँ, कोई बोले बाघ जी का बेटा हो गया, कोई बोले बच्चों के पीठ पर बाल आ गया है, कोई बोले खरगोश का सींग रुक गया है, कोई बोले गर्व होकर आग जल रहा है, इन्होंने ये सब जो असंभव हो उन्हें बोले कभी संभव हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है हाँ भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करना चाहिए, गोस्वामी जी कहते हैं जिसने दुनिया बनाया वो खुद कहती है दुखा भरी दुखा ले, जिसने बनाया वो खुद कह रही है दुखा भरी है, अब तो कह रहे तुमको सुख मिल गया भगवान की भक्ति के बगैर, कहते भैया भगवान की भक्ति के बगैर अभी तक जिसको सुख मिला नहीं और मिलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान को फिर व्यास देव नहीं होते तो फिर भगवान के बारे में थोड़ी हमें पता चलता, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हम व्यास के चरण में इसकी वजह से आज भगवान की भक्ति करने के लिए, इसलिए हम व्यास देव का चरण में हम सबके सब ऋणी हैं। बोले श्री व्यास देव की, बोले श्री नारद बाबा की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की।
आज से व्यास पूर्णिमा है, अभी यहाँ प्रश्न होता है भैया आज तक व्यास नहीं जन्म हुए हैं, देख कर इसको दूर को देख
देखना संसार में अक्सर करके जो हम काम करते हैं, देख रहे हैं दूसरों
सर्वश्रेष्ठ गुरु की परंपरा पूजा है, लेकिन जो महाप्रभु की धारा में जो आए हैं, महाप्रभु की परंपरा में जो आ रहे थे, ये जो गुरु पूजा करते हैं, इनकी गुरु पूजा की सर्वश्रेष्ठ महत्व है। बोले क्यों? बोले हमारी जो गुरु पूजा है, जो प्रभुपाद की धारा में, महाप्रभु की धारा में जो गुरु पूजा थे, ये साधारण गुरु नहीं। बोले नाम श्रेष्ठ मनमपि सत्य पुत्र पत्र स्वरूप। कौन सा नाम दिया है? यदि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, ये भगवान के सर्वश्रेष्ठ नाम सुंदर दिया। बोले कौन सा रूप? उन्होंने भक्ति के लिए बताए, आराध्य भगवान ब्रजेश श्री वृंदावन कृष्ण की उपासना बताए। बोले वृंदावन कृष्ण से भी तब उन्होंने हमारे गुरु परंपरा क्या किया है? बोले राधा जी की अमृत करके श्री कृष्ण भक्ति के लिए बताए। हम श्री राधा जी का अमृत करके राधा जी की अमृत करते हुए भक्ति का उपाना चाहते हैं। और श्री महाप्रभु की धारा में कि जो दुर्लभ प्रेम हमारे गोपाल भक्ति है, जो प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जी जो प्रेम के लिए तरसते हैं, हमारे गुरुदेव गुरुदेव हमें वो दुर्लभ प्रेम की भक्ति की प्रेम की गुरुदेव का लोग देख रहे गए हैं, समझो हमारा लिए ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है।
इसलिए हम सबके सभी जन्म में ऋणि के गुरु परंपरा हम सबको करने कृपा करे, जैसे हम इसी व्यास परंपरा में भगवान की भक्ति करते हुए एक दिन जैसे राधा कृष्ण के चरण की सेवा और महाप्रभु की धारा में हम अभिषेक हो सकते हैं। और प्रभुपाद का विचार सिद्धार्थ को बहुत अच्छे तरह से ये बताते हैं प्रभु जी, इसलिए ये आपको और दिखाई हमारा शुरू होगा, रुकना मुश्किल है। गिर जाएगा क्योंकि हवा इतना तेज हो रहा है, उसको पकड़ के कुछ
भी होते हैं, मैं इसमें कुछ ताजा भी बातें बोलने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप अच्छे भी आसानी से समझ सकेंगे। महाराज जी ने तो बहुत उच्चरण की बातें भी सबको बताई दी है। गुरु तत्व को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री या बहुत बड़ी कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। सभी अधिकांश आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे हैं। दो दिन पहले एक छोटी सी वीडियो सिर्फ 28 सेकंड की थी और हमारे स्कूल के ग्रुप में आई और मैं जनरली वीडियोस नहीं देखता बट उसमें लिखा था कि अलर्ट टाइप का कोई मैसेज था तो मैंने उस पर क्लिक किया देखा। उसमें एक छोटी सी घटना घटती है, एक सी बीच है, समुद्र का तट है और लोग बड़ी मस्ती में समुद्र के किनारे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी ठंडी हवा चल रही है और वो आपको पता है हाई टाइड होती है तो वो बड़ी ऊंची ऊंची लहर आती थी और वो जो पहली लहर आई, मैंने आपको बताया सिर्फ 28 सेकंड की वीडियो है, जो पहली लहर आई तो कई लड़कियां खड़ी हैं, जवान लड़कियां हैं अपना और लोग भी खड़े हैं साथ में। वो लहर आई और उनको भिगो करके लहर वापस गई तो सभी ने बहुत उत्साह से खुशी मनाई, इतना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। उसी क्षण ही दूसरी जो लहर आई और जब वो वापस गई तो वो बहुत ऊंची थी तो लोगों को और अधिक उत्साह हुआ कि शायद ये बहुत अच्छी एक और अच्छा और हमें अनुभव होगा ठंडी लहर का। जैसे ही वो लहर जाने लगी तो लोगों ने देखा कि वो जो दो लड़कियां वहां खड़ी थी आगे आगे अपनी खुशियां मना रही थी और उसी क्षण वो उस लहर के साथ बह कर करके समुद्र में ही चली गई और सभी वहां पर दुखी हो गए और वहां वो वीडियो बंद हो जाता है। ऐसी लाखों घटनाएं संसार में घट रही हैं, उससे हमने क्या सीखना है, उससे गुरु तत्व का क्या संबंध है। देखिए जो वहां खड़े होंगे हमारे जैसे ही समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे और वो समुद्र को देख रहे हैं, परंतु बुद्धि होते हुए भी हम ये नहीं समझ पाए कि ये जो आने वाली अगली लहर है ये हमारे लिए काल का रूप बन करके आएगी। उसी तरह से जो अभी महाराज जी ने पूरा आपको व्यासदेव जी की पूरी कथा बड़े ध्यान से समझाई, हम सबको ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम भले ही कितने पढ़े लिखे हो, अच्छे घरों में जन्म लिया, अच्छे कुलों में जन्म लिया, सब कुछ है, परंतु जो हमारी अपनी बुद्धि है वो हमारी अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। कभी ना कभी हम उस आने वाले काल के प्रभाव को नहीं देख पाते और काल के शिकार हो जाते हैं। ये जल का उदाहरण था, ऐसे ही कभी कभी आप देखते हो पहाड़ गिर पड़ते हैं, कभी अग्नि का हमारे ऊपर अटैक होता है, तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन पांचों के अटैक से ही मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती है। तो गुरु यहाँ पर हम कैसे समझें कि अगर मान लीजिए वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता जो ये जानता होता कि जब इस तरह की ज्वार आई आती है, टाइड आती है, ये कभी कभी नुकसान दे जाती है, तो बच्चों यहां से पीछे होकर के खड़े हो जाओ, ये कार्य कौन कर रहा है, वो गुरु का कार्य। तो गुरु साधारण शब्दों में हमने इस तरह से समझा कि किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, जैसे हमारे बड़े गुरुदेव समझाते थे कि हारमोनियम भी बच्चों सीखना होता है, गुरु से ही सीखना होता है, अपने आप हारमोनियम भी नहीं सीख सकते। तो ऐसे ही भक्ति राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए जो इस संसार की जो लहरें आ करके हमें बार बार माया ढो करके ले जाती है, उससे बचाने के लिए हमें किसका आश्रय ग्रहण करना है, हमें गुरुजनों को ढूंढना है और उनका आश्रय ग्रहण करना है। इसके बाद एक छोटी सी और दूसरी घटना, ये मैं आपको सारी सच्ची बातें बता रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा विशेष जज करने की जरूरत नहीं है, आपके अनुभव से जुड़ी हुई बात। कुछ संसार में लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान ने, अगर भगवान है उन्होंने अपना उपदेश दिया, हर धर्म को भगवान की वाणी उपलब्ध है, चाहे बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं और हमारे यहाँ रामायण, भगवद गीता, भागवतम सब हैं। फिर गुरु कई लोग गंगा शब्द यूज करते हैं, कहते किसी दलाल की क्या जरूरत है भगवान और आपके बीच, कि भगवान ने अपनी वाणी दे दी है, भगवद गीता सुना दी है, तो फिर किसी बिचौलिए की, किसी एजेंट की क्या आवश्यकता है भगवान को समझने के लिए। अब इस पे एक मिनट के लिए विचार करते हैं, आपको एक दो दिन पहले ये भी घटना घटी, वो भी बताता हूँ आपको। मैं एक स्कूल के सेमिनार में गया था, लीडरशिप सेमिनार था, वहाँ मुझे सिर्फ आधा मिनट भगवद गीता के बारे में वो ट्रिक से बोलने का अवसर मिला, तो वहाँ एक बड़े पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड कैटेगरी थी, तो एक लेडी टीचर, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं एक अच्छे पब्लिक स्कूल में,
पर मेरी हम उम्र थी तो मेरे पास आई, हालांकि वो जैन समाज को बिलोंग करती हैं और बुद्धिज्म की मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हैं, तो उनको थोड़ी सी बात कुछ अच्छी लगी और एक मिनट के लिए आई, मेरा नंबर एक्सचेंज किया और मेरे को कल या परसों उनका मैसेज आया कि मैं आपसे ना थोड़ा सा भगवत गीता के आप मुझे शॉर्ट टिप्स दे दीजिएगा। मैंने कहा किस विषय पे आप चाहती हैं? कहती है जैसे एंगर मैनेजमेंट है, ग्रैटिट्यूड है और लोगों के प्रति कैसे प्यार इत्यादि की भावना रखती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको एक छोटी सी वार्निंग दी, मैंने कहा मैं आपके आज्ञा अनुसार आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा भगवत गीता से, लेकिन पहले ही बता देता हूँ कि शायद आप समझ नहीं पाएंगी। थोड़ा सा उनको उस समय लगा होगा कि एक अच्छी खासी इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर हो, बुद्धिज्म की मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हो, सब कुछ हो, तो फिर भी मैंने वो रिस्क लिया और मैंने उनको एंगर मैनेजमेंट के ऊपर भगवत गीता का एक श्लोक भेजा, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्र वाला श्लोक भेजा और उसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन भेजी, इंग्लिश भी भेजी। ठीक है, अब इससे ज्यादा और इजी तो कुछ नहीं हो सकता। भगवत गीता का श्लोक संस्कृत नहीं कोट करी, हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन भेजी और मैं चुप हो गया। एक दो घंटे निकले, मुझे रात को उनका मैसेज आया, आप सही कह रहे थे, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये उनको टारगेट करते हुए कह रहा हूँ जो लोग ये कह रहे थे कि भगवान की वाणी है तो किसी एजेंट या दलाल की क्या जरूरत है। अब ये आपके सामने प्रत्यक्ष मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, इस क्लास के अगर इस प्रोग्राम के बाद आप चाहो मेरे व्हाट्सएप पे उनका चैट देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप अंदाजा लगाइए अच्छी शिक्षित महिला जो है टीचर है हिंदी इंग्लिश को पढ़ाती है, जिसको हमारे यहाँ बैठे हुए सभी हमारे बच्चे उसके ऊपर आधा आधा घंटा आपको बोल करके बता देंगे, लेकिन उनको नहीं समझ में आया। तो क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि भगवत गीता जैसा एक हमारे यहाँ तो उसको भगवत गीता को हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तो बेसिक लेवल पे बताया जाता है कि इसके बाद तो यहाँ से तो नींद शुरू होती है, अभी तो आगे बहुत सारी बातें हैं। तो जब बेस बात को समझने के लिए भी पढ़ा लिखा सभ्य समाज सक्षम नहीं है बिना किसी एक्सपर्ट के, तो क्या भक्ति राज्य की गूढ़ बातें जो हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी, हमारी पूरी गुरु परंपरा रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है, उनके ग्रंथों में जो इतनी उच्च कोटि की बातें लिखी हुई है, क्या हम सब अपनी क्षुद्र बुद्धि से समझने में सक्षम है? करती है कि कैसे गुरुदेव की हमारे जीवन में आवश्यकता। और अंतिम बस एक छोटी सी बात, किसी भी राज्य में प्रवेश करने के लिए अगर उनके निवासी नहीं है तो अपने वहां के लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, अमेरिका जाना होगा तो उनके वीजा की हेल्प चाहिए, सब कुछ चाहिए, गाइडेंस लेनी पड़ती है। अभी मेरे से अभी एक हफ्ता पहले जो घटना घटी, मैं यहाँ आ रहा था और हम जब इस गली गली में घुसे, हमारे मैसेज में से एक मैसेज का बना मीटिंग और कोई प्रोग्राम है, हमने यहाँ के लोगों से पूछना शुरू किया, सबके बाद उसके मीडिया की एक सोर्स की जरूरत
जीपीएस यूज कर करके हम अपनी जगह पे पहुंचते हैं। ऐसी आध्यात्मिक चलें गंतव्य स्थान भगवान के राधारानी के चरणों के की जो सेवा की प्राप्ति करनी है वहां पहुंचने का जो रास्ता बताने के लिए जो सिस्टम यूज करना है वो क्या है, गुरु उपदेशक सिस्टम। आज गुरु ने हमें क्या सीखा कि गुरु की क्या आवश्यकता है जीवन में, गुरु कैसा कार्य करते हैं, भगवान की वाणी को हमें समझाते हैं, और तीसरा हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा। जब तक भगवान के चरणों में पहुंचा नहीं देंगे तब तक गुरुदेव शांत नहीं बैठ सकते। आज के दिवस पे हम सभी मिलकर करके पूज्य पाठ सभी गुरु परंपरा के चरणों में यही निवेदन करते हैं कि वे हम पर अपनी कृपा और आसान नहीं, आप पकड़ ले हाथ तो ये इतनी मुश्किल नहीं।
आपकी आंखों की रोशनी में, आपकी आंखों की रोशनी में वो अप्रकृत धाम नजर आता है। जिसे देखते तो आप हैं, पर वो मेरे हृदय को अनुभव कराता है। मिलाया मुझे मेरे प्रेम से, आपके चरणों में बेमोल दिख गई। ऐसा क्या करूं आपकी प्रसन्नता के लिए, मेरा तो कुछ सामर्थ्य नहीं। राधे नाम की महिमा सर्व शास्त्रों ने गाई है, राधे नाम की महिमा सर्व शास्त्रों ने गाई है। मेरे प्रियतम की प्रियतमा मेरे मन को भाई है। अब तो यही इच्छा हृदय की राधे के मुख में गाऊं, अपना सर्वस्व देके इस युवा जोड़ी को ले जाऊं। जानना अपने देश है, अब किसी कौन सवार है, कुछ भी करके कैसे भी रहेंगे, जाना मुझे उस पार है। गुरुदेव आप ही हैं, वो नौका है जो मुझे उस पार लगाएंगे, जिस जहां की मुंह है वहां मुझे पहुंचाएंगे। हे गुरुदेव, एक आसरा आपका भक्ति का आडंबर है, हरि गुरु वैष्णव की कृपा यही मूल आधार है। ना तक दुख न सिद्धांत, ना जानू क्या अधिकार है, जानना तो बस इतना जाना मेरे गुरुदेव का सामर्थ्य उपार है। गुरुदेव अब तो चाह यही सदा मैं आपके गुण गाऊं, कृपा हरि वैष्णव की पाते आप सब, अब मैं अपने देश को जाऊं। नमो विष्णु पादशंकराचार्य परमहंस अष्टोपेश्वर श्रीमद् भक्तिवेदांत गोस्वामी की नाम में अपने गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत कोटि प्रणाम। अभी आप सबने पहले महाराज जी के मुख से गुरु की महिमा के बारे में सुना कि कमल प्रभु जी ने गुरु हमें क्यों धारण करने चाहिए उसके बारे में बताया, और दीदी ने एक कविता सुनाई। तो बैठे बैठे मेरी इच्छा हुई कि आज मैं कुछ बातें आपको अपने प्रिय गुरुदेव श्री नारायण महाराज जी के बारे में बताती हूँ। आप में से हो सकता है कुछ उनके शिष्य हों और कुछ श्रीधर महाराज जी के शिष्य हैं, पर हम लोगों का बहुत सौभाग्य होता है कि हमें सदगुरु मिले। श्री नारायण महाराज हम सुनते हैं कि गुरु वो लोग वृंदावन से आते हैं, हमारे कल्याण के लिए आते हैं, पर जब मैंने श्री नारायण महाराज जी को उनके बारे में बहुत सुना था, पर जब मैंने गुरुदेव को पहली बार देखा तो मैं देखकर उनको देखती ही रह गई। उनके मुख पे इतनी चमक थी, और वो चमक ऐसी नहीं थी जो आर्टिफिशियल चमक होती है, वो आराम से कुर्सी पे बैठे हुए थे, आंखें उनकी नीली थी, और हम सब उनको देखते ही रहते हैं। तो जैसे उस समय हम लोग भक्ति में आए थे, तो मेरे मन में आया कि अच्छा भक्ति करने से आप अगर इतने सुंदर लगते हो तो भक्ति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई लालच होता है ना भक्ति करने में, तो लेडीज को तो वैसे ही सुंदर लगना अच्छा लगता है। तो मेरे मन में लगा कि वाह ये तो भक्ति की, देखो इनके हृदय में कितनी चमक है। और उसके बाद हम उनके साथ वृंदावन गए, वो कार में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछा, क्योंकि हमें थोड़ा इस कॉल में ऐसे बताया जाता था कि हम लोग वहाँ से गिरे हैं। तो महाराज जी ने, मैंने उनसे प्रश्न पूछा, महाराज जी उसी समय उन्होंने इतना सुंदर 15 मिनट की एक्सप्लेनेशन दी कि हमें ऐसे लगा कि उनके सामने सब कुछ चल रहा है। 5 दिन वो हमारे घर में रहने आए, हमने सबसे पहले से माथुरे से पूर्ण राधा कृष्ण की लीलाएं सुनी, और ऐसे लगता था कि गुरुदेव अपने सामने देख रहे हैं। तो तब अपने में इतना सौभाग्य फील करते थे हम लोग कि ऐसे गुरुदेव, क्योंकि कोई भी हमें कहते हैं ना कि महाभागवत वह होते हैं जिनको देखते ही उससे हरिनाम निकल सके, और गुरुदेव का व्यक्तित्व ऐसा ही था। जो उनके साथ
संपर्क में आता था उनसे मोहित हो जाता था और हरिनाम ले लेता था। और जो परम वैष्णव की क्वालिटीज होती है उनके अंदर सरलता, दयालुता और तो जैसे हम लोग तो कुछ बोलते हैं पर हमारे आचरण में पर हम प्रचार तो कर देते हैं पर हो सकता है हम उसका आचरण इतना नहीं कर पाते हो, पर गुरुदेव जो बोलते थे वो ही उनके आचरण में भी था। और इसलिए हम सब अब उनकी कथाएं तो बहुत अनंत हैं, परंतु एक बार उन्होंने मुझे कहा कि देखो अगर तुम मुझसे ही इतने अट्रैक्ट हो जाते हो तो सुनो हम भगवान कृष्ण और राधा रानी के अंदर कितना आकर्षक होगा कि अगर तुम उन्हें एक बार देखोगे तो इस संसार की कोई भी चीज तुम्हें आकर्षक नहीं कर सकती। गुरुदेव की कथाएं तो अनंत है जिन्हें मैं बखान नहीं कर सकती, हमारे और भी वैष्णव हैं और आपके अभी सबका बहुत सौभाग्य है कि श्रीधर महाराज जी आपके गुरुदेव हैं, क्योंकि जब मैं मठ में आई और हम लोग तब महाराज जी का नाम रसानंद धर्मचारी था, हम उनके साथ कभी गोवर्धन प्रतिमा पे जाते थे, कभी कथाएं सुनते थे, वे छोटे से कमरे में रहते थे, बहुत तप करते थे, तो गुरुदेव हमसे हंसी किया करते थे कि तुम इसके चक्कर में मत फंसना नहीं तो मुझे भूल जाओगी। इसलिए और गुरुदेव के जाने के बाद आज हम इनसे बहुत क्लोज हैं, तो आप सबका बहुत सौभाग्य है कि महाराज जी आपके गुरु हैं, तो जैसे गुरुदेव अपने गुरुदेव के प्रतिबिंब से ये अपने गुरुदेव के प्रतिबिंब हैं और इनके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम। आज मैं आपको गुरुदेव के दंड प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ। एक राजा था, उसकी चार रानियां थी। वो अपनी पहली वाली रानी को बहुत प्यार करता था, वो अपनी पहली वाली रानी को घुमाने के लिए जाता था, उसकी वाली रानी को बहुत महंगी महंगी चीज दिलाता था, तीसरी वाली रानी से बहुत अच्छी अच्छी बात करता था, चौथी वाली रानी से बिल्कुल प्यार करता था, उसके बाद वो मरने वाला था। जब वो सोचता है कि कोई वाली मेरे साथ चलेगी, वो अपनी पहली वाली रानी के पास जाता है और बोलता है मैं मरने वाला हूं तो मेरे साथ चलूंगी। रानी बोलती है तो एक कदम भी ना चलूं, अब अपनी दूसरी वाली रानी के पास जाता है, बोलता है मैं मरने वाला हूं तो मेरे साथ चलूंगी, अगर तुम मर जाओगे तो मैं दूसरे के पास चलता हूं। वो अपनी तीसरी वाली रानी के पास जाता है, बोलता है मैं मरने वाला हूं तो मेरे साथ चलूंगी, सिर्फ चार कदम आगे तक ही चलूंगी। फिर वो अपनी चौथी वाली रानी के पास जाता है, बोलता है मैं मरने वाला हूं तो मेरे साथ चलूंगी, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहली वाली रानी के पास था हमारा शरीर, दूसरी वाली रानी के पास था हमारा पैसा, तीसरी वाली रानी के पास था हमारा परिवार, चौथी वाली रानी के पास था भक्ति, हमें भक्ति करनी चाहिए तभी भक्ति हमारे साथ चलती है। कीर्तन होगा ना लास्ट माइक में जो नाचता है ना, हम सोच भी नहीं सकते क्या नृत्य करता है, कितना सुंदर नृत्य करता है। आप देखें कीर्तन में कैसे नाचे, पाशुदुर्गैव च अधिकनां कारुणेभ्यो
जितना
वेद व्यास दास को अभिभावित है, वो कोई साधन नहीं है, वो भगवान की सत्ता में सत्ता है। भगवान ही जीवों पर करुणा करने के लिए कभी कृष्ण के रूप में, कभी नारायण, कभी हरि के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी भगवान वामन के रूप में, तरह तरह से केशव ग्रीता वामन रूपा, केशव ग्रीता नरसिंह रूपा, केशव ग्रीता राम शरीरा, केशव ग्रीता हरद रूपा। कभी कभी भगवान हर रूपों में आते हैं। जब जीव इन ग्रंथों को भगवान को समझ नहीं पाता तब भगवान जीव वही भगवान कृष्ण देव वेद व्यास के रूप में आते हैं और उनमें अपनी सारी शक्ति को संचारित करते हैं और वो भगवान को समझने के लिए ग्रंथ को प्रकाशन करते हैं। वो भी भगवान का एक अवतार है, समाधि देव करुणा निधानम कमाल वर्णम सुहिता अवतारम अपार संसार समुद्र से तुम अजामय भागवत स्वरूप। वो क्या कहते हैं, वेद प्राण उपनिषद आदि आदि की वेदों की रचना करते हैं, वेदों के चार विभाग करते हैं, फिर 18 पुराण उपुराण विशाखा पुराण की रचना करते हैं। जब भी कोई समझ नहीं पाता है तो फिर वो गुरु के रूप में आते हैं, जो हम गुरु पुण्या बताते हैं, कहते हैं कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति गुरु करुणा निधान। भगवान कितना ही भगवान का साक्षात रूप है। हम लोग रोज एक कीर्तन करते हैं विश्वनाथ चपी ठाकुर का, संसार दावाधर ललिती लोका प्राणाय कारुण्य जितनी महिमा विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर ने भरती है, गुरु की महिमा उससे बढ़कर कहीं भी की जाती है। गुरुदेव कौन है, गुरुदेव जगत में क्यों आते हैं, गुरुदेव जगत में आके क्या करते हैं, संसार दावाना जैसे कर बता रहे हैं। और गुरुदेव यहाँ तक ही नहीं, कैसे श्री राधा माधव के बीच चले, राधा माधव की सेवाओं को जगत में प्रकाशित करके इस जगत में जो दुखी लोग हैं, जो संसार में डूबे हुए हैं, उनको निकालने नहीं, निकाल कर और कहाँ करते हैं, वैराग्य भक्ति रसम नहीं है पाए आप नवीन सुबंधा कृपा मेरे पर दुख दुखी सनातन प्रभु मासा। जो हम लोग जिस चीज को चाहते नहीं है, संसार में डूबे हुए हैं, पता मेरी भक्ति रस क्या है, उससे निकाल कर उस भक्ति रस को जिसको एक बार चखाने के लिए मुझे बात है, हम भक्ति रस को चाहते हैं और जगत को भूल जाए। हम इसलिए नहीं चलती भगवान को याद कर पा रहे क्योंकि जगत का रस हमको पता है, भगवान का भक्ति क्या है, भगवान क्या है, गुरु कौन है, अभी हमें पता नहीं। तो कहते क्या है, विषय प्रेमता निधान से नेना रस वर्जम रसो परम निष्ठा निवर्तन। वो ऊंचे रस को उच्चिष्ट जो उत्कृष्ट रस को चखाते हैं और जगत से निकालकर भगवान के चरण को चखाते हैं। कहते श्री गुरु चरणों में क्या रस भरा है, अभी हमने चक्कर देखा था। एक माता थी अम्मा माता रूपनाथ में रहती थी, बहुत बढ़िया इस कीर्तन को गाती थी। इस कीर्तन को लग रहा साधन है परंतु ये सारे देखने में हिंदी कीर्तन है परंतु कितना इसमें भाव है कि गुरु के चरणों में क्या रस भर रहा है, अभी हमने चीख करके देखा। गुरु कौन है, क्या चीज देने के लिए आए, अभी हम लोग समझ नहीं सकते। कब समझेंगे, जब हम उनकी सेवा करेंगे। यहाँ पर अधिकांश लोग का कौन है, दीक्षित लोग ज्यादा लोग है ना। एक बार गुरु जी ने बना लिया, बहुत सौभाग्य की बात है, गुरुदेव पदासन कर लिया, पर उसके बाद क्या करना है, गुरु पूजा कैसे करनी है। कहते गुरुदेव के वचनों का या भगवान का अनुभव कैसे करना है, कह रहे गुरु सेवा की बात, जिसकी जितनी सेवा निष्कपट होगी, जो जितनी सेवा करेगा वो उतना ही भक्ति रस को चाख सकता है। ये सेवा विद्या सेवा स्वयं ये किसी कर्म के द्वारा ज्ञान के द्वारा पांडित्य के द्वारा नहीं प्राप्त होता, एकमात्र सेवा के द्वारा ही गुरु के जो भावों को या गुरु भगवान के दर्शन, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला को एकमात्र गुरु सेवा के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसमें गुरुदेव बड़े महाभारत के बड़े सुंदर प्रसंग सुनाते थे, आज उन्होंने गुरुदेव की बहुत सारी ओड़ियां
थे, कथा सुनाते थे। कथा तो बड़ी विस्तार है, तो मैं सहज सरल रूप में दो चार चीज बात बता दूं तो गुरु जी की मेरे को बारंबार याद आती है वो वाली चीज, तो उनके वचन कहते श्री गुरु चरण कदमा केवल भक्ति सदमा बंदो की सावधान बते। अगर गुरुदेव के आपने सब दुख सुनाए, उनको जीवन में अपना लिया, बस वो सब पूरा बैकुंठ तक ले जाएंगे। अगर आपने अपने लिए शब्दों को सुना, इस कान से सुना, उसको निकाल दिया, जीवन में अपनाया थे, शब्द भी काम आने वाले थे, और एक शब्द सुनाया गुरु जी का, एक शब्द अपना लिया जीवन में, वो ही काम आ जाएगा। तो कहते हैं गुरुदेव की क्या है, अभी गुरुदेव हमको छोड़कर इतनी लीला में प्रवेश कर रहे हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, उनको देख रहे हैं, पर हमारा दुर्भाग्य है हमारा अपना भजन सागर नहीं है, हमारी अपनी सेवा पूर्ति नहीं है, तो हम नहीं देख पा रहे, वो हमें देख रहे हैं, वो हम पे करुणा कर रहे हैं आज भी। अगर उनकी करुणा नहीं होती आज वहाँ हम विषय में डूब जाते, उनकी कृपा हमको आज बचा के रखी है, तो वो हमें देख रहे हैं, बहुत बड़ी उनकी कृपा है, पर हम लोग नहीं देख पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो कैसे गुरु जी कथा सुनाते थे, बड़ी सुंदर, ये गुरु पूजा हम कल भी सुना रहा था, कल पूरा नहीं, समय ज्यादा हो गया था, हम गुरु पूजा करने के लिए आए हैं, ये पूजा ना एक दिन में पूरा नहीं होती, किसी किसी की हो भी जाती है, बहुत सारे वैष्णव लोग आए और उन्हें एक दिन में गुरु जी को पूरा जीवन समर्पण कर दिया, तन मन वचन सब कुछ समर्पण कर दिया, उनकी पूजा हो गई पूरी। फिर बहुत सारे अंधेरे जैसे भक्त भी आते हैं, एक दिन से माला पहना दिया, फिर अगली गुरु पूर्णिमा पर माला भी फूल फल भी ले जाते हैं, चलो अगली बार फल भी ले आए, फूल ले आए, फल ले आए, अरे चंदन भी लगाते हैं, किसी साल से चंदन भी लगाना है, माला भी पहनानी है, फूल भी लगाना है, चौथी साल में पढ़ा भी अड़ गए, चौथी साल पढ़ा भी अड़ गई, फिर पांचवी साल को लगा लिए, उनकी कथा भी सुननी चाहिए, पांचवी कथा भी सुनने लगा, फिर छठे साल पता लगा रहे उनकी कथाओं का पालन भी करना चाहिए। कोई कोई जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो 10 साल लगा देते हैं, 20 साल लगा देते हैं सेवा करने के, हजारों साल भी लगा देते हैं, कई जन्म भी लग जाता है, कोई कोई एक दिन में पूरा कर लेते हैं। तो गुरुदेव की पूजा, कपिल व्यास जी की पूजा, गुरु परंपरा की पूजा कैसे की जाती है, उनके चरणों में संपूर्ण शरणागति, सब मानस दे जे कुछ और अर्पित हुआ पदे बदे, सब कुछ अर्पण कर दिया बस, और कुछ भी नहीं चाहते उनसे, उनसे क्या चाहते हैं, बस आपकी श्रद्धा चाहते हैं, बस आपने समर्पित कर दिया गुरुदेव, उसी को लेकर आपको उद्धार कर, और आपने धन दे दिया बस अपने घर चले गए, फूल दे दिया आपके घर चले गए, हाँ तो बहुत ज्यादा फल तो मिलेगा, गुरु के चरणों में एक फूल देने का बहुत बड़ा फल है, एक बड़ा कोई प्रणाम करने का भी बहुत बड़ा फल है, प्रणाम कर लिया तो पूरा जीवन देगा उसका, वो कहते हैं फूल पूजा होती है। तो इसमें गुरु जी कथा सुनाते थे, देखो तुम्हें क्या बनना है, अभी तो गुरु तत्व की कथा सुनानी है, पर हमें सेवकों की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हमें गुरु बनना नहीं, पहले सेवक बनना है। गुरु जी कहते थे जो सेवक नहीं बनता वो कभी गुरु नहीं बन सकता, और हम सब सेवक हैं, हम तो गुरु कोई नहीं है, तो पहले सेवक बनना हमें सेवक। तो गुरु पूजा पे गुरु की कथा सुननी है, परम गुरु जी कैसे चरित्र है, गुरु जी का कैसे चरित्र है, वेद व्यास जी क्या चरित्र है, गुरु परंपरा का भी चरित्र सुनना, ये भी एक अंश, ये भी एक उनकी वचन सुनना भी एक है, और एक दूसरा पार्ट क्या है, शिष्यों की कथा सुनना है, कैसे शिष्य बनना है। उन्होंने कई बार ये कथा सुनाते थे कि महाभारत सुनाते थे गुरु जी, महाभारत कि शिष्य कई प्रकार के होते हैं, कल मैं बता रहा था कथा बहुत बढ़िया, मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, घबराइए मत, बहुत सारे बन रहा। गुरु जी कहते थे एक तो गुरु द्रोही है, मानते हैं गुरु सेवक हूँ, परंतु गुरु जी की बातों को नहीं मानते, वो गुरु द्रोही है, वो शिष्य नहीं है, एक शिष्य तामसिक शिष्य है, एक शिष्य राजसिक शिष्य है, एक उनसे श्रेष्ठ सात्विक है, और इनसे से निर्गुण है। निर्गुण में भी क्या है, मध्यम कोटि के हैं, उत्तम कोटि के, पर अति उत्तम कोटि के हैं। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे गुरु जी गुरु पूर्णिमा पे, कि सनातन गोस्वामी का चरित्र आज, सनातन गोस्वामी मूढ़िया पूर्णिमा है, क्या गुरु पूर्णिमा है, गोवर्धन में, वृंदावन में, आज सब जगह पैर रखने की इतना रस है, बहुत भीड़ है, गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, चारों तरफ पुलिस लगी है, फिर भी इतने लोग हैं, आप देखो तो परिक्रमा इतनी गर्मी है, क्यों लगाते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी हमारे जो हैं, हमारे गुरुवर्ग हैं, उन्होंने आज के
शरीर छोड़ा था और पूरे ब्रजमन का नाम था, पूरे ब्रजमन का नाम था बड़े बाबा के नाम से, बड़े बाबा उन्होंने शरीर छोड़ा, सारे ब्रजवासी बाबा सब लोगों ने मुंडन कराया उस समय और उनके विरह में सब लोगों ने वहां पर कीर्तन किया, कथा किया, हमारे पूर्वज हमारे महाराज लोग क्या देखो। तो आज क्या है, मुड़िया पूर्णिमा के नाम से, मुड़िया माने सर और मुड़ाना, उनकी कथा सुनाते थे, बहुत वैशिष्ट है सनातन गोस्वामी और गुरु जी यहाँ कहते थे कभी कभी भाव आपस में होके बोलते थे, कोई नहीं बोलेगा ये बात, कहते आज क्या है, आज भगवान के सप्तमी संतान कृष्ण देवानो वेद व्यास जी का आविर्भाव है। वो क्या है, वेद व्यास है, सारे जगत में कृष्ण की वाणी को विस्तार करने वाले, पर सनातन गोस्वामी भी कम नहीं है और कहते थे उनसे भी बढ़कर है। बोले कैसे, बोले उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को विस्तार किया परंतु राधा जी की जो लीलाएं संक्षिप्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने विस्तार किया, परंतु ये कौन है, राधा जी के निज जन है लवंग मंजरी है। सनातन गोस्वामी क्या है, राधा जी के निज सेविका है, जो वेद व्यास जी नहीं बोल पाए वो सनातन गोस्वामी ने ब्रज भागवत अमृत में ब्रज रस जो वेद व्यास जी नारद जी की कृपा से बाद में बोले, वो सारे वेद पुराण लिखे, महाभारत में लिखा, सारे गीता उपनिषद लिखा, परंतु उनका मन प्रसन्न नहीं था। बाद में नारद जी की कृपा से उन्होंने जो चीज समझी उसी ने सनातन गोस्वामी ने ब्रज भागवत वहां से स्टार्ट किया। इसलिए सनातन गोस्वामी तो कहीं उनसे ही बढ़कर राजा जी के बीच जा रहे हैं, कृष्ण के सप्तमे संतान है और ये राजा जी के बीच सप्तमे संतान राजा जी के बीच जा रहे हैं। इनका भी बहुत वैशिष्ट है पर समय की कम है, सीमा कम है, तो इसलिए एक दो कथा सुनो बस। जो मैं बता रहा था कल शाम को एक लंबे जो थे बड़ा नाम एक लंबे का, अब हमारे मंदिर है नोएडा में, वहाँ एक पास में एक मंदिर हमारे उसमें लिखा एक लंबे ट्यूशन सेंटर, एक लंबे शिक्षा के लिए बहुत सारे एक लंबे का नाम है, पर महाभारत में हमारे गुरुवर बताते हैं एक लंबे को शिष्य की श्रेणी में ही नहीं गिना गया। वो क्या है, गुरु ही बताया, क्योंकि गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य जी के पास गए, बड़े सुंदर सुंदर शिक्षा है पर संक्षिप्त में बताऊंगा। तो जब गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे विद्या लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने समझ लिया गुरु क्या है, अंतर यहाँ पे ये शिक्षा किस उद्देश्य से लेने आया, शिक्षा के बाद क्या करेगा समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, ये भक्तों का विरोधी करेगा और शिक्षा को सदुपयोग नहीं कर पाएगा, तो उनको शिक्षा देने के लिए धनुर्विद्या के लिए मना कर दिया। उन्होंने क्या किया, अंदर बैठ कर पीछे अंदर में आकर बैठ कर गुरुदेव आप नहीं सिखाओगे, वहां से चले गए, उनकी मूर्ति को बनाया और मूर्ति को बना के रात दिन अभ्यास किया, अभ्यास करते करते बड़े जबरदस्त धनुर्धर बन गई। और एक समय कुत्ता भोंकते आ रहा था, उन्होंने तीर चलाई, वहां से सामने द्रोणाचार्य आ रहे थे, अर्जुन आ रहे थे, उन्होंने ऐसे तीर चलाए कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया, कुत्ते को नुकसान भी हुआ, एक के बाद एक तीर चलाए कुत्ता मुंह भी बंद नहीं कर पाया, भौंक भी पाया। अर्जुन कहे प्रभु ये कौन है ऐसी धनुर्विद्या, इतनी महान इतनी श्रेष्ठ, ऐसे तो मैं भी नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य भी आज आश्चर्यचकित हो गए, तो उन्होंने उनसे मिले कहे तुम्हारे गुरु कौन है, बोले आप ही मेरे गुरुदेव है। तुमने ये विद्या कब लिया कैसे लिया, बोले मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपको प्रणाम करके आपकी विद्या को लिया। तो उन्होंने कहा तुमने कोई गुरु दक्षिणा दिया, गुरु को प्रणाम भी दिया, गुरु की सेवा किया, बोले तो दिया नहीं करे गुरु विद्या तो काम आने वाले नहीं है। बोले क्या कि तुम्हें गुरु सेवा देख करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। बोले गुरुदेव बताइए क्या आ गया आपने, बोले अंगूठा दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे दो, तुरंत अंगूठा काट के दे दिया, एक मिनट भी नहीं लगाई अंगूठा काट के दे दिया, गुरु प्रसन्न नहीं हुई। अगर आपकी किसी सेवा के द्वारा मांगा उन्होंने कि ये क्या है, ये किसी हाथ से धनुष चलाएगा और पांच पार्टों का विरोधी करेगा, मरेगा नरक जाएगा, इसलिए उन्होंने अंगूठा दिया। अगर हम लोगों में कोई ऐसा आया गुरुदेव अंगूठा मांग के दे देंगे तो काट के, कोई है तो हाथ उठा दो, है कोई अंगूठा उंगली मांग उंगली से उंगली एक ये वाली एक दे सकता है, ऐसा उन्होंने दिया अंगूठा दे दिया, परंतु फिर भी गुरु प्रसन्न नहीं हुई। पर कहीं गुरुदेव क्या कर रहे हैं,
उनकी अगर इच्छा के अनुसार अगर कार्य किया जाए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए तो गुरुदेव उससे प्रसन्न होंगे। अगर गुरुदेव की बुद्धि जो नहीं चाहते वो कार्य करो, उसमें दक्ष भी बन जाओ आप। एक और सुंदर उदाहरण देता हूँ आपको, साधु वाली कथा नहीं हो पाएगी, राशिक तामसिक इतना ही समझ लो बहुत है। हमारे महाराज जी के गुरु भाई हैं मुनि महाराज जी, वो पुरी में रहते हैं। उनके गुरु जी हैं नित्य लीला प्रतिष्ठम विष्णुपाद अष्टोदश शिष्यम भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज। वो एक दिन कथा सुना रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी कथाएं पर जीवन को बदलने वाली है, परिवर्तन करने वाली है। उनका मंदिर बनना था, पहले मंदिर बनता है ना तो पहले ब्रह्मचारी भी लग जाते थे सेवा में, तसला ईट ढो रहे हैं, बदल वो सीमेंट ढो रहे हैं। तो जब मंदिर बनना था पुरी में या बंगाल में, मुझे नवदीप में पता नहीं, पुरी में जो बन रहा था तो उन्होंने मुनि महाराज जी बड़े हट्टे काटे, बड़े अच्छे बहुत सुंदर शरीर और सेवा प्राण, तो उन्होंने खुद ही हाथ से सेटिंग कर दी, पूरी सेटिंग करके लैंडर डालने के लिए सेटिंग करी। सेटिंग करने के बाद गुरु जी ने कहा ये सेटिंग ठीक नहीं है, बहुत तीन चार दिन लगा था, बहुत मेहनत लगा, रात दिन लगा, आपको पता है सेटिंग इतनी मेहनत से करते, चार चार पाँच पाँच दिन लगती जब, तो गुरु जी ने कहा ये ठीक नहीं है, इसे हटा दो, इसे हटा दो। फिर उन्होंने बिना कुछ इसको हटा दिया, पूरा तीन दिन मेहनत कर लेकर फिर उसको हटा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, गुरु जी ने उनको बोला कि तुम्हारी सैलरी क्या थी, बिल्कुल ठीक थी, कोई गलत नहीं था उसमें। क्योंकि गुरु जी आज तक नहीं ऐसे ऐसे किस शिक्षा से क्या आपकी क्या शिक्षा थी, ऐसे क्यों बोला, कहना परीक्षा लेने वाला था कि तुम इतना परिश्रम करने के बाद भी गुरुदेव के क्या करें, गुरुदेव ऐसा क्या कमी है बताओ उसमें, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। तो गुरुदेव उनकी बातों पर रीझ गए, तुमने पूछा नहीं क्या कमी है गुरुदेव और चैटरी को तोड़ दिया। कहते इसे बोलते सेवा, क्या गुरु जी इन बातों को देखकर बहुत उन पर रीझ गए, बड़ा प्रसन्न हो गए, बिना कोई गलती के आगे आगे कथा सुनने में मनु आरोप की कोई गलती नहीं थी। गुरु जी ने कहा बेटा ये करो, बाढ़ में जाकर पानी की रक्षा करो, और कुछ मेरे बिना कुछ खाना पीना नहीं। बड़ी सुंदर कथा है, बहुत लंबी कथा है, परंतु समय नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं गुरु जी के आगे के अनुसार कुछ नहीं खाया। बाद में अश्विनी कुमार खीर लेकर आ गए, खीर देने लगे, कहे नहीं भूखे प्यासे मर के अंधे हो गए, पर उनका मैं गुरुदेव मेरे बोले कि तुम्हें खीर खाऊंगा। गुरुदेव आए और उन्हें खीर दिया, उनको सारे वेद पुराण उन्हीं सब आदि का सार मिल गया। इसका मतलब क्या है, गुरु के पदाश्रय ग्रहण करने के बाद हमें गुरु सेवा करनी पड़ेगी। अगर गुरु सेवा नहीं करेंगे, ये विद्या ना एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा की विद्या है, सेवा वाली विद्या है। महाराज जी शास्त्र में बैठे जो बता रहे थे ना, सेवा भी है। मैं देखा था पहले महाराज जी रूप सनातन मठ में, मथुरा मठ में, परिवेशन भी बल महाराज जी, हरिदीप महाराज जी इतना परिश्रम कर रहे हैं, पार्टी लेके भाग रहे हैं, रूप गोस्वामी की तिथि पसीना पसीना हो रहे हैं, गुरु पूर्णिमा आ रही है, परम गुरु जी की तिथि आ रही है, गुरुपाद जी की तिथि आ रही है, और छोटे से कमरे में रहते हैं, पूरा सेवा 40-45 साल सेवा की है। जब महाराज जी इस आसन में बैठ कर हम लोग आदर्श बनकर शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोगों को भी सेवा करनी पड़ेगी। और गुरु जी के चरणों में एक प्रार्थना है कि हम लोग भी, विशेषकर मैं, गुरुदेव की किसी प्रकार सेवा कर पाऊँ, किसी न किसी जन्म में उनको प्रसन्न कर पाऊँ और उनकी कृपा को प्राप्त कर पाऊँ। उनके चरणों में यही प्रार्थना है, उनके चरणों कुछ ले नहीं पा रहे हैं, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव कृपा में गुरिया करो, एक दासे अपेक्षा सकल सहवे बल दिया करो। पंचा कल्पत्र जैसे कृपा सभी का नाम का हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ताली बजाते हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Kr
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाइन करी चरण वंदन जाहिते विघ्ननाश विष्णुपुरम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और बोलो जोर से एक बार जोर से हरे कृष्णा श्रोता लोग कह रहे हैं आप ही बोलते रहोगे थोड़ा मैं भी बोलने का अवसर
तो आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा, थोड़ा समय और अपेक्षा करो। आज बहुत विशेष दिन है। एक समय केंद्र की इच्छा हुई ब्रह्म विद्या अध्ययन करने की, तो वो ब्रह्मा जी के निकट में गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हमको ब्रह्म विद्या दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा 12 वर्ष तक इस मंत्र का जप करो, 12 वर्ष के पश्चात तुम्हें आना। 12 वर्ष मंत्र का जप किया, 12 वर्ष के पश्चात तुम्हें आए। जब आ रहे थे मार्ग में, ब्रह्मा जी ने एक व्यक्ति को, एक महिला को जो मार्जन करती है ना झाड़ू देती, उसको पहले से नियुक्त कर दिया था, इसके ऊपर में कूड़ा डाल दे। 12 वर्ष तक मंत्र जप किया, 12 वर्ष के पश्चात आए। क्या लेने आए? ब्रह्म विद्या। ऊपर कूड़ा डाल दिया, बड़ा क्रोध आया उनको, कहा तुझको अभिशाप देकर भस्म कर दूंगा। फिर पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा भी नहीं, क्रोध नहीं गया। 12 वर्ष और मंत्र का जप, फिर 12 वर्ष के पश्चात फिर आए। फिर जब देखा और अभी इनके भीतर में बहुत कुछ कामनाएं वासनाएं रह गई, चित्त भी स्थिर नहीं हुआ, फिर भेज दिया और 12 वर्ष जाओ। 36 वर्ष के पश्चात में आए, तब ब्रह्मा जी ने कृपा पूर्वक उनको कुछ उपदेश दिया। कितने धैर्य की आवश्यकता है, कितने धैर्य, समझ में आ रही बात। 36 वर्ष तक धैर्य के साथ में मंत्र जपा, और आनंद की बात पता है क्या, बाद में प्रसाद भी नहीं मिला, बाद में प्रसाद भी नहीं मिला। यहाँ तो कुछ घंटे की बात है, फिर बाद में प्रसाद भी मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य के साथ में और सुन, फिर तो ये दिन नहीं आएगा, अगला 1 वर्ष आएगा। अगले 1 वर्ष के पश्चात हम होंगे नहीं होंगे, इसकी कोई निश्चयता नहीं है। तो थोड़ा सा और सुन लो, आज के दिन का क्या महात्म्य है। आप लोगों ने गुरु तत्व के विषय में बहुत सारी बातों को सुना है, आज के दिन के विषय में बहुत सारी बातों को सुना है। देखिए, गुरु की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। हमारे कमल प्रभु जी ने बड़ी साधारण साधारण बातों में बड़े गूढ़ गूढ़ अर्थों को बता दिया। एक छोटी सी बात सुन लो, एक व्यक्ति ने 25 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या, और बड़ी कठोर तपस्या के फल से पानी पर चलने की विद्या अर्जन कर ली। समझ में आ बात, 25 वर्ष तपस्या की, और तपस्या करके बड़ी कठोर तपस्या की, बड़ा कठोर तप किया है, और क्या विद्या अर्जन की, पानी पर चलने की। अब अपने जन्म स्थान पर लौट करके आया, जब आए तो सारे गांव वालों को एकत्रित किया, सारे गांव वालों को, देखो हमारे तप का प्रभाव, देखो हम क्या विद्यार्जन करके आए। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, भाई देखे, बड़ा कौतूहल हुआ मन में, क्या विद्यार्जन करके आए, थोड़ा देखे। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहाँ, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर। व्यक्ति ने गंगा नदी को खाली में चौड़ी नहीं थी, इधर से पैदल चल के दिखा दिया, उधर से पैदल चल के आ गए। लोग निहाल हो गए, चरणों में गिर गए, अरे आपका तब सफल हो गया, सफल हो गया। वही गांव का एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, उसने कहा थोड़ी हमारे में सुन लो, वो उठा किसी से कुछ नहीं कहा, एक नाविक को पकड़ा, नाविक होता ना नौका चलाने वाला, उसको 2 पैसा दिया, 1 पैसे में उधर गया, 1 पैसे में इधर आ गया, और वापस लौट कर कहता है 2 पैसे के लिए 25 वर्ष जीवन के व्यर्थ कर गया। समझ में आई बात, 2 पैसे के लिए जीवन के 25 वर्ष व्यर्थ कर दिए। यही गुरु का कार्य है, यही गुरु का कार्य है। हम भक्ति भी करने लग जाएंगे अपनी इच्छा से, तप भी करने लग जाएंगे, तपस्या भी करने लग जाएंगे, किंतु जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, अव विरिंचि शंकर सम होई। अरे बिना गुरु के, और गुरु भी जैसा तैसा नहीं, यद्वा तद्वा गुरु नहीं, सदगुरु हो। परंपरा के भीतर में जो गुरु आया, भगवान ने गीता में कहा एवं परंपरा प्राप्त, ये जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो भगवत विद्या है, ये तो परंपरा से आई है। भगवान ने, कृष्ण ने सूर्य को दिया, सूर्य ने श्लोकों को दिया, ऐसे ये पूरी गुरु परंपरा हमारे गुरु जी तक है, और गुरु जी के आश्रय जनों तक ये पूरी गुरु परंपरा चली आ रही है। इसलिए जब तक सदगुरु परंपरा में कोई व्यक्ति आकर के सद शिष्य ना हो, और सद शिष्य होने के पश्चात सदगुरु ना हो, जो सद शिष्य नहीं हो सदगुरु नहीं हो सकता, तब तक वास्तव में परमार्थ किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, ये तब तक पता नहीं चल सकता। यही शुद्ध गुरु का कार्य है, वो जगत में आविर्भूत होकर के शुद्ध भक्ति का मार्ग क्या है, शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हम किस प्रकार चल सकते हैं, किस प्रकार चलना चाहिए,
और शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने से हमको परमार्थ की भक्ति की जो सर्वोत्तम वस्तु है वो क्या प्राप्त हो। इसलिए हमारे संप्रदाय में बड़े श्रेष्ठ आचार्य हुए रूप गोस्वामी जी, उन्होंने भक्ति की परिभाषा बताई। भक्ति किसको कहते हैं है? उन्होंने भक्ति के विषय में बताया, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनापतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भैया उत्तमा भक्ति तो उसको कहेंगे जो ज्ञान और कर्म से ढकी हुई ना हो। समझ में आ रही बात? उत्तमा भक्ति शुद्ध भक्ति किसको कहेंगे? वो भक्ति जिससे भगवान का हृदय प्रसन्न हो जाए, वो भक्ति जिससे भगवान हृदय में आकर बैठ जाए, ऐसी भक्ति जो है ना शुद्ध भक्ति, वो ज्ञान और कर्म से ढकी हुई ना हो। ज्ञान कर्माध्यनापतम और कैसी हो? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के मन को कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली हो, सुख देने वाली हो। तो हमारे गुरु महाराज जी बड़ी अच्छी बात बतलाते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, गुरु जी कौन सी भक्ति देते हैं। बात को सुनना ध्यान से, जो बात को ध्यान से सुनकर के उत्तर दे देंगे उनके लिए प्रसाद के पश्चात भी एक पृथक व्यवस्था है, इसलिए ध्यान से सुनना बात। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, सुनो ध्यान से, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं ये फिर नहीं सुनने को मिलेगा, ये हमारे गुरु जी के विचार है। जशोदा मैया कृष्ण को दूध पान करा रही है, कृष्ण भूखे हैं, जशोदा मैया कृष्ण को दूध पान करा रही है, कृष्ण का पेट अभी भरा नहीं है, कृष्ण गोद में बैठे हैं, लेटे हैं, जशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही है, किंतु अतृप्त अवस्था नहीं, अतृप्त अवस्था माने कृष्ण का पेट नहीं भरा अभी, इतने में ही चूल्हे से दूध उफनने लगा। जशोदा मैया ने एक हाथ से उठाया कृष्ण को, बैठ और बिठा दिया। उतना में 60,000 हाथियों का बल था, जब कृष्ण उसका स्तनपान करने लगे, पूरा बल लगा करके भी पूतना अपने वक्षस्थल से कृष्ण को दूर नहीं कर सकते। कितना बल था? 60,000 हाथियों दूर नहीं कर सकते, कोई छोटे से कृष्ण। जशोदा मैया ने एक हाथ से उठा, बैठ गए कृष्ण, बैठ गए और कृष्ण बैठ गए। उनको बड़ा क्रोध आया, अरे हमारा तो पेट भरा नहीं, और मैया चूल्हे के दूध को बचाने के लिए वो आग में अग्नि में गिर जाए, हमको छोड़कर चली गई। कृष्ण ने क्या किया? मटके फोड़े दो। सुना आपने बोला, मतलब ये कृष्ण को रुचिकर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा लगा कृष्ण, कृष्ण का तो पेट नहीं भरा, हुआ कि नहीं हुआ रुचिकर? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, हुआ। और दूसरी ओर कृष्ण जब गए मथुरा में, तो उससे चारू और मुष्टिक बड़े बलवान मल्ल है, पहलवान दोनों कृष्ण से लड़ रहे हैं, और कृष्ण को उनसे लड़ने में बड़ा आनंद आ रहा है, वीर है ना कृष्ण, वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। कृष्ण उनको पटक रहे हैं, वो कृष्ण को पटक रहे हैं, बड़ा हाथी माता हाथी हो रही है, कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये तो कृष्ण की इंद्रियों को सुख मिल रहा है, तो ये शुद्ध भक्ति हुई कि नहीं हुई? हुई, अरे नहीं हुई, ध्यान से बताओ हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि चारों और मुष्टि कृष्ण का अनिष्ट करना चाहते, कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहते, इसलिए बाहर से दिखने में लग रहा है कृष्ण को उनके साथ में लड़ने में आनंद आ रहा है, किंतु वास्तव में उनके हृदय में पूरा भी संधि है, पूरी भावना है। इसलिए पूरी भावना होने के कारण वो शुद्ध भक्ति का भक्ति भी नहीं हुई, वो तो अपराध हो गया। किंतु दूसरी ओर जशोदा मैया कृष्ण दूध पान कर रहे हैं, किंतु कृष्ण का पेट नहीं भरा, उठा करके एक हाथ से बिठा दिया। मैं बाहर से तो देखने में क्या लग रहा है, कृष्ण का तो मन प्रसन्न नहीं है, मटकी फोड़ दी, किंतु फिर भी यही शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा है। क्यों? जशोदा मैया इसलिए चूल्हे के दूध को बचाने गई कि हमारा दूध पीके तो इसका पेट भर जाएगा, अभी थोड़ी देर के बाद में हमसे कहेगा मैया माखन दो, मैया छेना दो, फिर हम कहां से देंगे इसको माखन और छेना। कृष्ण की सेवा के लिए उस दूध को बचाने के लिए गई, इसलिए जशोदा मैया की भक्ति क्या हो गई? शुद्ध भक्ति हो गई। ये गुरु जगत में आकर के बताते, यदि शुद्ध गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा, यदि शुद्ध गुरु का चरणाश्रय नहीं करेंगे, शुद्ध गुरु के संग में नहीं आएंगे, ये सब बातें सुनने को नहीं मिलेंगी कहीं। शुद्ध गुरु शुद्ध भक्ति दान करने के लिए जगत में आते हैं, इसलिए वेद व्यास जी का शुभ आविर्भाव है, वो सारे गुरुओं के मूल है। वेद व्यास जी कौन है? सब गुरुओं के मूल, उनका नाम ही है वेद व्यास। व्यास का अर्थ होता है विस्तार, या तीति व्यास, जिन्होंने वेदों का व्यास विस्तार किया। एक वेद था, उसके चार भाग कर दिया, फिर उसके पश्चात में पुराण पुराण शाखा पुराण सब कुछ लिख दिया। उसके पश्चात क्या किया? उसके पश्चात महाभारत लिख दी। क्यों? हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे ना वेदों की शिक्षाओं को, महाभारत लिख दी सहज सरल में, जिससे हमारे जैसे अल्प बुद्धि के लोग, प्रायण अल्प आयुष जो अल्प बुद्धि के लोग हैं,
प्रसन्न नहीं हुआ। एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे, बद्री का आश्रम, वहां पर बैठे थे। उसी समय में बड़े खिन्न मन से कि मैंने वेदों का विस्तार कर दिया, विभाग कर दिया, सब कुछ लिख दिया, महाभारत की भी रचना कर दी, वेदांत भी लिख दिया, मेरा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं है, मेरा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं है। उसी समय में नारद जी आ गए, बड़े समर्थवान सर्व समर्थ नारद जी आ गए। आकर के वेद व्यास जी के गुरु जी हैं नारद जी, वेद व्यास जी ने उठकर अपने गुरु नारद जी की प्रार्थना की, उनके चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, बस तुम्हारा मन जो है वो खिन्न दिखलाई पड़ता, कारण क्या? वेद व्यास जी ने पूछा, प्रभु आप ही कृपा पूर्वक बतला दीजिए मेरा मन खिन्न क्यों है। नारद जी ने पूछा, आपने वेदों का विभाग कर दिया, हाँ कर दिया, पुराण लिख दिए, उपपुराण शाखा पुराण सब लिख दिया, किंतु आपने कहीं पर ये लिखा, ये जो भगवान कृष्ण है पर ब्रह्म, वो यशोदा मैया के ताड़न भर्षण से भयभीत होकर, मैया एक बिना धार की छड़ी दिखा रही है, कितनी, एक बिना, एक बुंदी भी छड़ी नहीं, यशोदा मैया छड़ी दिखा रही है, कृष्ण रो रहे हैं, सातंग नेत्र, कृष्ण के नेत्रों में भय दिखाई दे रहा है, जिनसे बड़े बड़े लोकपाल दिग्पाल बड़े बड़े राक्षस हिरण्यकश्यपु रावण हिरण्याक्ष पार नहीं पा सके, कृष्ण ने खेल खेल में उनका वध कर दिया। जिनसे भय भी भयभीत होता है, काल भी भयभीत होता है, ऐसे जो कृष्ण हैं वो यशोदा मैया उनको छोटी सी छड़ी दिखा रही है और कृष्ण दोनों हाथों से अपने नेत्र मल रहे हैं, सात रंग का नेत्र, बड़े भयभीत, आज मैया मारी, आज मैया मारी। नारद जी ने पूछा, ये लिखा? वेद व्यास जी कहते, ये तो लिखा दे, मन कैसे प्रसन्न होगा जब ये नहीं लिखा। ये लिखा, जिनकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा शिव सब रात दिन लालायित रहते हैं, वो कृष्ण जो है वो ब्रजवासियों की किंचित सी सेवा करने के लिए वो कृष्ण लालायित रहते हैं। नंद बाबा की खड़ाऊ को अपने मस्तक पर ढोकर लाते हैं, बाबा कहते लाला जा मेरी खड़ाऊ ले, और कृष्ण जाते हैं पुनः पुनः कर नंद बाबा की खड़ाऊ को अपने मस्तक पर धारण करके लाते। ये लिखा? नहीं लिखा। कैसे चित्त प्रसन्न होगा? सारा जगत जिनकी भक्ति करता है, किंतु योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनों भी, वो भगवान मधुसूदन जो योगियों के लिए भी बड़ी दुर्गम गति है, योगी लोग एक दो जन्म नहीं हजार हजार जन्म तपस्या करके भी जिन कृष्ण को अपने मन में भी नहीं ला पाते, जिन कृष्ण को अपने मन में भी नहीं ला पाते। और ब्रज गोपियां क्या है, उन ब्रज गोपियों की अवस्था क्या है, वो कृष्ण से कह रही है, हम आपको भूल करके अपने चित्त को विषयों में लगाना चाहती है। देखो समझो बात को ध्यान से, हमारी स्थिति क्या है, हमारा मन विषयों में आविष्ट है और हम अपने मन को विषयों से निकाल करके कृष्ण के चरणों में लगाना चाहते हैं, ऐसा ये तो लगा पाते हैं। कितने लोगों की यहाँ दीक्षा हो गई, कितने लोग यहाँ दुखा, जब आदि करने बैठते हो दो चार मिनट की तो बात है, मन लग जाता है भगवान में, लगता है तो हम विषयों से निकालते चेष्टा कर रहे हैं, निकाल कर दो चार क्षण के लिए कृष्ण में लग जाए, नहीं लगता। ब्रज गोपियों की क्या अवस्था है, ब्रज गोपियां कृष्ण से कह रही हैं, हम अपने चित्त को तुमसे दूर हटाकर विषयों में लगाना चाहती है, उल्टी बात है, समझ में आ रही है, क्यों लगाना चाहती है, बड़ा तीव्र निर्णय होता है कृष्ण। नारद जी पहुंचे एक दिन ब्रज में, सुना होगा आप लोगों ने, एक गोपी ध्यान कर रही है, नारद जी ने देखा, रहे तो कृष्ण प्रकट हो गए ब्रज में, ये ध्यान किसका कर रही है। नारद जी घूमने लगे, परिक्रमा करने लगे, किसकी परिक्रमा, गोपी की, समझ में नहीं आ रहा किसका ध्यान कर रही है, कृष्ण तो ब्रज में प्रकट हो गए, गोपी बड़े ध्यान से बैठी। अब नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ, धीरे से उठा लिया गोपी, गोपी का जब ध्यान भंग हुआ बड़ा क्रोध आया, नारद जी ने पूछा, क्या करती हो, तेरे कर्म को रोती हूँ, तेरे कर्म को रोती हूँ। नारद जी आश्चर्य पड़ गए, क्यों हमारे कर्म को रोती, अरे बड़ी चेष्टा करके, हमारे गुरु जी सुनाते हैं, गोपी कहती है बड़ी चेष्टा करके उस कृष्ण को अपने हृदय से निकाल कर बस बाहर लाने वाले थे, कंठ तक आ गया था, तुमने ध्यान भंग कर दिया। समझ में आई बात, कितना उनका मन कृष्ण के चरणों में आविष्ट है, इच्छा करने पर भी कृष्ण को अपने मन से नहीं निकाल सकते। उन कृष्ण को जो योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनों की, जो योगियों के लिए भी बड़ी दुर्गम गति है, रात दिन ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में भी कृष्ण नहीं आते। और ब्रजवासियों की स्थिति देखो, वो इतना आविष्ट रहते हैं और कोई सुरभु भी नहीं रहती और किसी काम की, वो इच्छा करते हैं कृष्ण को एक क्षण के लिए भी भूले, इच्छा करने पर भी भूल नहीं सकते। नारद जी ने पूछा, ये लिखा? वेद व्यास जी कहते हैं, तो नहीं लिखा। अरे जब कुछ लिखा ही नहीं है, कृष्ण की ब्रज लीला को नहीं लिखा, तो फिर आपका मन कैसे प्रसन्न होगा? नारद जी ने कहा, अब आप कृपा, वेद व्यास जी ने कहा, अब आप कृपा कीजिए। नारद जी ने कृपा की, गुरु कृपा के फल से वेद व्यास जी ने भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणयिते अपने अवश्य पुरुषम पूर्णम माया
समझते हैं। भक्ति योगी नमन सिंह वेदा व्यास जी ने अपने गुरु नारद जी की कृपा से भक्ति से परिपूर्ण हृदय में कृष्ण की संपूर्ण लीला का दर्शन किया, कृष्ण की संपूर्ण लीला का दर्शन किया और संपूर्ण लीला का दर्शन करने के पश्चात उसको ही श्रीमद् भागवत के रूप में जगत में प्रकाशित कर दिया। यदि वेदा व्यास जी ये कृष्ण लीला रूपी श्रीमद् भागवत, ये भागवत और कुछ नहीं है, ये कृष्ण का शाब्दिक अवतार है। जब कृष्ण शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में जब कृष्ण जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो श्रीमद् भागवत हो जाती है। भागवत भगवान का शाब्दिक अवतार है। वेद व्यास जी ने हम जीवों के लिए ये इतना दुर्लभ अवदान दिया, इतना दुर्लभ अवदान, इसलिए आज के दिन कर्मी हो, ज्ञानी हो, मायावादी हो, सब लोग गुरु पूजा करते हैं, सब लोग, क्यों, वेद व्यास जी सबके मूल गुरु हैं, सबके, इसलिए हम लोग भी गुरु पूजा करने के लिए आए हैं, हम लोग भी गुरु पूजा करने के लिए आए हैं। गुरु जी क्या वस्तु दे सकते हैं हमको, जो हमारे गुरु परंपरा में जो गुरु है ना, वो गुरु जी हमको इतनी दुर्लभ वस्तु दे सकते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते क्या दुर्लभ वस्तु है। आज सनातन गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि है, उनकी महिमा वेद व्यास जी से भी बहुत अधिक है, वो क्या देकर गए जगत में है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, शिवजी पहुंच गए, अब रास भंग होने लगा,
सब गोपियों ने पूछा भाई कोई ना कोई भी जाती है तो ढूंढा तो देखा शिव जी मिल गए गोपी रूप धारण करके। सबने पूछा तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या। अब जोग माया जी ने भीतर तो प्रवेश करा दिया, नाम बताया नहीं, पति का नाम बताया नहीं, गांव बताया नहीं, शिव जी तो मौन धारण करके बैठे हैं। गोपियों ने खूब ऊंचे लगाए शिव जी, त्राहिमाम करने लगे शिव जी। उसी समय में पूर्णमासी जोग माया जी आया, अरे छोड़ दो हमारे कृपा पात्र, हमारे कृपा पात्र। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए उनके ऊपर, उनको आशीर्वाद दिया। सुनते ना बार बार गुरु जी की बात, क्या आशीर्वाद दिया भाई, तुम्हारी कृपा के बिना किसी को रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, किंतु तुमको भी रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। इतनी दुर्लभ वस्तु शिवजी जी को द्वारपाल बना दिया, शिवजी जी को द्वारपाल बना दिया। तुम्हारी कृपा के बिना कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु तुम भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी दुर्लभ वस्तु है। ब्रह्मा जी आए ब्रज में कृष्ण की थोड़ी सी, उनको रास की तो बात छोड़ दो, थोड़ी सी कृष्ण की लीला देखी और आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये परब्रह्म है, ये मेरे उपास्य है, ये जमुना के तट पर बैठ करके छोटे छोटे बालकों के साथ में उनके झूठन खा रहा है, ये कैसा भगवान है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, कृष्ण की और लीला देखने की इच्छा हुई। कृष्ण ने ऐसा विमोहित कर दिया ब्रह्मा जी को, ऐसा विमोहित कर दिया। ब्रज में आकर ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं चारों मुखों से और कृष्ण उनकी ओर देख नहीं रहे। ब्रजवासी बालक उनको चिढ़ा रहे हैं, ये चौमुआ कहाँ से आ गया ब्रज में, चौमुआ इसने ब्रज में काम है चौमुआ, ये ब्रज में ब्रह्मा जी की स्थिति है। उद्धव जी कौन है, कौन है उद्धव जी, इतने प्रिय हैं उद्धव जी कृष्ण के। कृष्ण कहते हैं ये उद्धव मुझको इतने प्रिय हैं, मेरे भाई संकर्षण, मेरी पत्नी लक्ष्मी, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है जितना ये उद्धव मुझको प्रिय है। इतने प्रिय उद्धव जी जब ब्रज में जाते हैं, ब्रजवासियों की ब्रज गोपियों की भक्ति देखते हैं, उनका प्रेम देखते हैं कृष्ण के प्रति, वो इतने प्रिय उद्धव जी क्या प्रार्थना करते हैं। आशा महो चरण रेणु जुषाम श्याम वृंदावने किमपी गुरु नतोष्मिनाम। अरे मेरा ये सौभाग्य होगा, इतने प्रिय जो उद्धव जी है वो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा ये सौभाग्य होगा मैं इस ब्रज में कोई घास कोई गुल कोई लता बन जाऊं। क्यों बन जाऊं भैया, ये ब्रज गोपियां जब चलेंगी ना इनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लग जाएगी, ये उद्धव जी कह रहे हैं। नारद जी ब्रज में रास में प्रवेश करने के लिए नारद कुंड पर आज तक भी तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही है। उद्धव जी को जब ब्रज में गए लौट करके आ रहे थे ना, दो चार मास रहे ब्रज में, तब क्या कह रहे उद्धव जी, अरे जगत के लोग तो कहते हैं इन ब्रज गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण की आराधना की है, हैं तो ये व्यभिचारी हैं, किंतु वास्तव में वो उद्धव जी जो कृष्ण के इतने प्रिय हैं, वो उद्धव जी कहते हैं वास्तव में मैं व्यभिचारी हूँ, वास्तव में शिव जी व्यभिचारी हैं, ब्रह्मा व्यभिचारी हैं, नारद व्यभिचारी हैं, शिव जी व्यभिचारी हैं, नारद जी व्यभिचारी हैं, ब्रह्मा जी व्यभिचारी हैं। क्यों कह रहे उद्धव जी सबको व्यभिचारी, कहते मैं भी व्यभिचारी हूँ, क्यों हम सब व्यभिचारी हैं, क्यों व्यभिचारी हैं। अरे जैसा अपना मन अपना हृदय इन ब्रज गोपियों ने कृष्ण के चरणों में दिया है, वैसा हृदय वैसा मन हम लोग नहीं दे सके, हम लोग नहीं दे सके, इसलिए हम क्या है, हम व्यभिचारी हैं। ये उद्धव जी की स्थिति है, ब्रह्मा जी की स्थिति है, शिव जी जी की स्थिति है, लक्ष्मी की स्थिति है। साधारण किसी साधक की बात नहीं कर रहे हैं, साधारण किसी साधक की बात नहीं हो रही है, लक्ष्मी जी उद्धव जी ब्रह्मा जी शिव जी इन बड़े बड़े महापुरुषों की बात हो रही है। इनको भी जो वस्तु नहीं मिल सकती, इनको भी जो वस्तु नहीं मिल सकती, ऐसी वस्तु हमारे जो रूपानु गुरु वर्ग है, हमारे गुरु महाराज जी भरी सभा में कह रहे हैं, भरी सभा में विचार करना इस बात को ध्यान से, जो वस्तु लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी शिव जी उद्धव जी इनको नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली जानते हो, क्योंकि उद्धव जी शिव जी ब्रह्मा जी इनमें से कोई भी ब्रज का परिकर नहीं, लक्ष्मी जी ब्रज से परिकर नहीं, किंतु हमारे गुरु जी वो कहाँ से आए, ब्रज से आए। और गुरु महाराज जी भरी सभा में सबके सामने कह रहे हैं, एक दो व्यक्ति को नहीं कह रहे, घोषणा कर रहे हैं माइक पर ऐसे, कहते मेरे पास में जो भी व्यक्ति आया है मैंने उसको इतना पावरफुल इंजेक्शन दिया है जो उनको राधा रास्ते पर लेकर जाएगा, जो उनको इतना पावरफुल इंजेक्शन दिया है जो उनको राधा दास्य तक लेकर, राधा दास्य तक लेकर के जाएगा। जो वस्तु ब्रह्मा शिव उद्धव लक्ष्मी को नहीं मिलती वो वस्तु हमको मिल सकती है, क्यों, वो वस्तु वो व्यक्ति दे सकते हैं जो उस कुटुंब से आए हैं, जो वहीं से आए हैं वो व्यक्ति उस वस्तु को दे सकते हैं। इसलिए हमारे गुरु पास पर वो ऐसे ही ब्रज रसिक परिकर हैं, उसी कुटुंब से आए राधा जी के, राधा जी ने ही उनको भेजा है, जाओ जगत में इस दुर्लभ वस्तु का दान करके आओ। इसलिए महाप्रभु जी के विषय में कहा गया भाव विरिंचित वांछित जे प्रेम जगत में भेड़ी डाली। अरे जिस प्रेम के लिए ब्रह्मा शिव ये वांछा करते हैं ऐसे प्रेम को जगत में भेड़ी डाली।
उठा रहे हैं। कितनी महिमा की कृपा ने गुरुवर्गों की है, कितनी महिमा है। इसलिए भाई यदि ये गुरुवर्गों के चरणों में हमने शरणागति ले ली और अधिक कुछ नहीं है, क्या छोड़ने को कह रहे हैं हमसे, क्या छोड़ने को। दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमको त्याग भी बड़ा महान करना पड़ेगा, कर सकते महान त्याग। हमारे गुरुवर्ग जानते हैं उनकी पद्मजीवों की ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था है ये एक घंटे दो घंटे के लिए फोन को छोड़ नहीं सकते, संसार को तो क्या छोड़ेंगे। तो वो जानते रहे तुम जितना कर सकते हो तुम उतना ही कर लो, इसलिए हमको ये हरि नाम रूपी औषधि लेनी। अरे जितना समय मिले ये हरि नाम रूपी औषधि, इस औषधि का पान करते रहो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। जब रोग दूर हो जाएगा ना, मैं तुमको इतने से भी चेतन में महाप्रभु काशी में गए प्रेम दान करने के लिए गए, महाप्रभु जी ने देखा यहाँ तो सारे मायावादी है, कोई ब्रज की बात नहीं करता, सारे मायावादी, सबका हृदय जो है पत्थर के समान है, पत्थर के समान। महाप्रभु ने क्या कहा अपने परिकरों से, भाई मैं तो प्रेम की झोली लेकर के आया था दान करने के लिए। महाप्रभु कहते हैं मैं तो प्रेम की झोली लेकर आया था दान करने के लिए, यहाँ तो कोई दान ही नहीं लेना चाहता। क्यों? दान लेने के लिए एक ही मूल्य है, बस एक ही मूल्य, वो मूल्य क्या है, श्रद्धा। थोड़ी सी श्रद्धा लेकर आओ महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के भक्त, जो हमको थोड़ी सी श्रद्धा के बदले में ये दुर्लभ प्रेम दे देते हैं, इतना दुर्लभ जो शिव जी ब्रह्मा उद्धव नारद किसी को नहीं मिला है। तो महाप्रभु जी ने क्या कहा, महाप्रभु जी ने कहा भाई ये तो मैं झोली लेकर क्या, ये बड़ी भारी झोली है प्रेम की, मैंने सोचा था काशी में वितरण करूंगा, यहाँ तो किसी को श्रद्धा भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बिना श्रद्धा रूपी मूल्य के ही दान कर दूंगा, बिना श्रद्धा रूपी मूल्य के दान कर दूंगा। इसलिए महाप्रभु जी ने स्वयं जाकर के काशी के 60,000 मायावादियों पर कृपा की। ऐसे ही हमारे गुरु महात्मा महाप्रभु के परिकर है, हमारी श्रद्धा ना रहने पर भी इतनी दुर्लभ वस्तु, इतना दुर्लभ प्रेम हमको सहज रूप में अर्पण करने वाले हैं। इसलिए यदि हम थोड़े से भी बुद्धिमान हैं और समय नष्ट ना करके और अपने जीवन को नष्ट ना करके इसी क्षण सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर बस कलयुग में हरिनाम, बस हरिनाम रूपी औषधि का पान करने से सारे रोग दूर हो जाएंगे। यही हाथ उठाकर जोर से जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा ज्यादा वहां पर गुजरी है, ये भी गुजरे है, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि आप लोग दस से में हमारे ऐसे महाप्रभु का सिद्धांत विचार को बोलने वाले हैं। और थोड़ी समय पूजा हमारे महाराज जी की बड़े प्रिय है, ऐसे मंत्री प्रभु जी बड़े हमारी संस्था की सेवा करने वाले वो थोड़ी सी आपको ये व्यास पूजा को बाद में थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे, इसके बाद आरती होगी, सबके सर प्रसाद लेकर के ही सबके जाना। और विशेष करके गुरुदेव हमें तीन चीज दिए हैं, पहले मैं चटनी तिलक और हरिनाम भीजा और टिकट, ये तीन चीज को ठीक रखना। गले से किसी कारण से अगर चटनी उतर जाती है तो कहते हैं जब तक दो बार चटनी मत पहना करो तब तक पानी तक बिना पाओ, क्योंकि जो कुछ हम पीते ही खाते हैं ये कटनी को दुरुस्त को स्पर्श करते हुए जाता है, जो कुछ बोलते हैं वो पवित्र बन कर निकलते हैं, ठीक है ना। और जो तिलक है तिलक के बगैर तो ठाकुर बिना तिलक भक्त महाप्रभु को क्लास ना आ गए, महाप्रभु को क्लास क्या होता बोले तुमने तिलक लगा कर नहीं आया, तिलक लगा कर क्या, क्योंकि तिलक के बगैर गुरु मंत्र ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो गुरुदेव ने जो माला दिया है ये माला को गुरुदेव कहते थे ये गुरुदेव माला नहीं दिए, गुरुदेव ने कृष्ण मांग लिया है, अगर एक भी माला नहीं किया तो गुरुदेव कहते थे ठाकुर जी उस दिन भूखे रहे, स्नान नहीं किया ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदला है, एक दिन अगर नहीं करके तब बुरा लगेगा, जब तक जो माला नहीं कर ले गुरुदेव तब तक भोजन नहीं करना, भले ही भोजन छूट जाए लेकिन भोजन नहीं चाहिए, ठीक है ना। रोज ये माला को निर्देश कर सकते हैं रूप में जब जो माला करें, उस बात में गुरु पूजा करके प्रसाद लेंगे।
पूर्वे गौरचंद्राय कृष्णाय 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 भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने बलि गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट को कृष्ण पाद अशोक शुक्र श्री श्री कृष्ण भक्ति राम श्री नारायण स्वामी गुरु नाना जी के अभय चरणारविंद में उनको भी समर्पण करना। पश्चात श्रोतवृंद प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम की महिमा जो है स्थापित की। श्री व्यास देव के विषय में बताया कि व्यास देव जब असंतुष्ट थे उनकी असंतुष्टि के कारण ही श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने श्री व्यास देव के विषय में एक बात कही, उन्होंने कहा कि भगवान व्यास विपण वत्सल असंपन्न देव आभाति ब्रह्म वर्चस्व। श्रीमद् व्यास जी की इस जगत पर दया के विषय में अगर कहना जाए तो कोटि कोटि जन्म तक भी उनके विषय में कहेंगे तो उनकी महिमा को स्पर्श नहीं कर सकते। हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि कर्मी संप्रदाय जो है, अगर कर्मी संप्रदाय को अपने कर्म निष्ठा मानव कर्म के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो इस बात को स्थापित करने के लिए उन्हें श्रीमद् व्यास जी की वाणी का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर ज्ञानी संप्रदाय को अपने ज्ञान योग की सिद्धि के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता रहेगी तो उसके लिए भी उनको श्रीमद् उनको श्री व्यास देव का आश्रय लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ वैष्णव संप्रदाय तो संपूर्ण रूप से श्री व्यास देव का ऋणी चिरकाल रहेगा। श्री व्यास देव स्वयं अतृप्त हुए, उनकी अतृप्ति के कारण ही इस जगत में श्रीमद् भागवत रूपी महादत्त जो प्रकट हुआ। वेद काव्य पुराण चा प्रभु मित्रं प्रिये चा बोधयन्ति प्रभु श्रीमद् भागवतम बोला। वेद को स्वामी के रूप में बताया, वेद ने आज्ञा दे दी कि तमसो मां ज्योतिर्गम, तम को छोड़ करके ज्योति में आई। लेकिन तम की परिभाषा क्या है, हमारे अंधकार की परिभाषा क्या है और ज्योति की परिभाषा क्या है, वेद ने इसके विषय में सूत्र रूप में तो बताया लेकिन वेद के इस सूत्र को समझने के लिए छह प्रकार की शिक्षाओं की आवश्यकता होती है। कृष्ण व्यास देव ने वापरे समु प्राप्त तृप्ति पर जातर पलाश रात योग की वास्तव्य कल्याण हरे वापर के अंत में जब वापर बिल्कुल समाप्त होने वाला था और कली आरंभ होने वाला था उन्होंने कलयुग की दशा देखी। कलयुग की दशा क्या देखी, भौतिका नाम सब भगवान था कि आयुष के कलयुग में 119 विद्वान उनके था, बुद्धि होगी वो अल्प होगी, इतनी अल्प बुद्धि होगी कि लोगों को अपने अपना ही फोन नंबर याद नहीं होगा। पहले 20 साल करने में बात करें तो लोगों को अपना फोन नंबर याद रहता था, आज की डेट में किसी को आपके घर का नंबर क्या है तो फोन नंबर नहीं, अपने नंबर को ढूंढने के लिए अपने फोन में देखना पड़ता है। तो कलयुग की बुद्धि जितनी डेवलपमेंट हो रही है जिसको हम कह रहे हैं बड़ी प्रगति हो रही है, इस सारे की सारी प्रगति ने संपूर्ण मानव जाति की बुद्धि पर एक प्रकार का ताला ही लगा दिया। पहले बुद्धि चला करती थी, अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई है कि बुद्धि को केवल और केवल एक छोटे से बॉक्स में बंद करके रखती है। श्री व्यास देव ने यह सब चीज पहले से देखी कि क्या होगा, एक तो बुद्धि नहीं होगी, दूसरा हसत आयुष आयु जो होगी वो अल्प होगी, अल्प आयु हो अल्प बुद्धि हो ऐसे जनों के लिए श्री व्यास देव ने क्या किया, ये ऋग वेद वेद साम वेद यजुर् और अथर्व इसको उम्र विभाजित किया और इतिहास पुराना नाम पंचम वेद से उच्चते एक वेद को चार में करके विभाजित और फिर और कृपा करने के लिए यदि भारत आख्यान भगवान व्यास त्रिपण वत्सल उन्होंने देखा कि वेद को समझने के लिए भी बड़ी काम करने की आवश्यकता है, बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। वेद के विषय में कोई जानता ही नहीं है। हमारे जीव गोस्वामी ने कहा कि वेद की कुल मिलाकर के 1100 शाखाएं हैं और भारतवर्ष में इस समय केवल वेद की 13 ही मूल शाखाएं मिलती है, 1000 से ऊपर शाखाएं तो लुप्त है। तो जो ग्रंथ लुप्त है लुप्त ग्रंथ के विषय में क्या जानेंगे, इसलिए उन्होंने इस श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। उनके मन में एक बात आई, उन्होंने कहा कि मैंने इतना बड़ा कार्य
करने दिया, लेकिन करने के पश्चात भी असंपल आदि मेरे हृदय में असंपलता क्यों है, मेरे हृदय में अतुष्टता कम, मेरे हृदय में तुष्टि क्यों नहीं हो रही है। तब उनके मुख से स्वयं एक बात निकली कि हो सकता है, व्यास जी की स्वयं की उक्ति है, हो सकता है कि न भागवता प्रायण न निरूपणा, हो सकता है मैंने हरि के यश को उस अनुरूप में नहीं गाया जिस अनुरूप में श्री हरि के यश को गाना चाहिए था। कैसे यश गाना चाहिए था? वैसा यश जो भक्तों को प्रिय है, किंबा भागवता प्रायण तो प्रिय प्रिय हंसाना, जो कि परम हंसों को प्रिय है, जो कि मुक्त मुक्त पुरुषों को प्रिय है, जो रसिकों को प्रिय है। लगता है मैंने इस प्रकार की वार्ता नहीं गई, जैसे हमने अभी सुना प्रभु से कि व्यासदेव के निकट नारद जी आए और नारद जी ने आकर के उनको संपूर्ण भागवत इत्यादि बताई, भागवत उनके हृदय में स्फुट हुई, उसने व्यास जी ने भगवान का पूर्ण दर्शन किया और माया देवी को देखा, माया भगवान के बहुत दूर हाथ जोड़े खड़ी, और साथ ही साथ यह भी देखा यह सम्मोहित तो जीवो आत्मा नाम स्वयं मंदिर तुम तदर्थे तत्कृतम च विपद्यते, एक एक जीव अपने अपने स्वरूप को भूल करके किस प्रकार से माया में प्रवेश कर रहा है। यह जो घटना श्री व्यासदेव ने देखी कि जीव है तो भगवत अंश, लेकिन भगवत अंश होने पर भी उसकी चित्तवृत्ति माया की ओर धावित हो रही है, तो श्री व्यास ने कहा सम्मोहन जो हो गया है, कि माया का सम्मोहन जो हो गया है, इससे निकालने के लिए श्रीमद् भागवतम को प्रकट करना अति अति आवश्यक है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की वह भक्ति जो कि हमारे श्रीमद् महाप्रभु नंदाई आराध्य भगवान धाम वृंदावन, वह भक्ति जो कि ब्रजदेवियों ने की, अत्यंत अत्यंत किसी का सौभाग्य उदय हो तब कहीं जाकर के उसके जीवन में सदगुरु का आश्रय होता है, सदगुरु प्रस्तुत होते हैं। नरसिंह पुराण का एक श्लोक है, उसमें कहा गया तीन वस्तुएं जगत में सबसे ज्यादा दुर्लभ है, सर्वप्रथम तो भारतवर्ष में जन्म है। आजकल अधिकांश भारत में जन्म लेकर के सब लोग विदेश यात्रा करते हैं, यदि यहाँ छोड़ो भारत के जन्म का मूल्य नहीं। दूसरा मनुष्य जन्म, भारत में जन्म तो बहुतों को मिलता है लेकिन भारत में ही मनुष्य जन्म मिलता है, यह है दूसरी दुर्लभता। और तीसरी दुर्लभता क्या है कि यहाँ दो युगल हो भी जाए, मनुष्य जीवन भी मिल जाए और साथ ही साथ भारतवर्ष में जन्म भी हो जाए और जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, उसके पश्चात भी अगर भगवत प्राप्ति ना हो तो वो आत्मा माने स्वयं का हनन करने की जो है समान है। तो इसीलिए भी इस गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु जी बात कहते थे, गुरु जी कहते थे आज व्यास पूजा है, आज गुरु पूर्णिमा है, सारे विश्व ब्रह्मांड में मेरे जितने शिष्य हैं या जो प्रशिष्य हैं वो अपने हाथ में कुछ फल लेकर के कुछ पुष्प लेकर के श्री गुरु के मेरे निकट आएंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से मुझको यह पुष्प इत्यादि समर्पित कर रहे हैं उसको तो मैं स्वीकारता हूं, और जो आज के दिन भी गुरु दीक्षा लेने के बाद भी मेरे निकट नहीं आ रहे हैं और मेरे को कोई भी वस्तु समर्पित नहीं कर रहे हैं उनकी भावना को भी मैं स्वीकारता हूं। यह शुरू का काल है, क्योंकि जीव का स्वभाव है, स्वभाव से जीव क्या है, श्री गुरु के निकट आकर के नाम प्राप्त करने के पश्चात भी नाम की महिमा हृदय में जागृत नहीं होती। हमारे स्मृति विज्ञान भारतीय स्वामी महाराज जी ने इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, उन्होंने कहा जब कश्मीर पर राजा हरि सिंह का राज्य था तो राजा हरि सिंह की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, उसका पुत्र और उसकी पुत्री उन्होंने क्या किया, अपना राजमहल खाली कर दिया। अब राजमहल में बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं थी, सारी वस्तुओं को एकत्रित कर दिया, लेकिन कोने में एक पुराना बक्सा पड़ा हुआ था, उन्होंने कभी उस बक्से को खोल करके देखा नहीं, बिल्कुल सत्य घटना। उन्होंने कहा तो बेकार बक्सा है, राजमहल की सारी वस्तु हम ले जाएंगे, इस बेकार से बक्से को क्यों लेकर के जाए, उसको खोला नहीं। जब वो चले गए तो कश्मीर के बाद के जो शासक शेखुल्ला वो जब आए उन्होंने जब उस बॉक्स को खोला उस बॉक्स में एक देखा हीरा, उस हीरे की कीमत भारत में कोई लगा ही नहीं पाया, फ्रांस से लोग आए, फ्रांस से लोगों ने आकर के उस हीरे की कीमत लगाई तो
उस हीरे की कीमत निकली 500 करोड़ रुपया उस जमाने में। तब जो कश्मीर के शासक थे पहले हरि सिंह निकुंत इत्यादि, उन्होंने कहा ओहो जिसको हम बड़ा ही सामान्य मान रहे थे, बड़ी ही साधारण सी वस्तु मान रहे थे, हमारे नेत्रों के सामने होकर भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। उसी ही प्रकार से श्री नाम रूपी चिंतामणि तो प्राप्त हो गई, लेकिन श्री नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त होने पर भी श्री नाम रूपी चिंतामणि का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। वृंदावन में हमारे बड़े श्रेष्ठ वैष्णव में पीछे वही बात कह रहे थे कि वस्तु की प्राप्ति होने पर भी वस्तु की उपलब्धि ना होने का कारण क्या है। उन्होंने कहा संग और संग दो चीज बताई, भगवत भक्तों के संग में ही वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्रकाशित होता है। ये जल है, ये जल की संज्ञा जिसने दी, जल का महत्व जिसने बताया और उसके बाद जब हमने इसका प्रयोग कर लिया तो हमें समझ में आ गया कि इस जल को पीने से हमारी शुद्धा निवृत्ति, हमारी प्यास स्वयं बुझ जाती है। उसी प्रकार से जब महापुरुष पुनः पुनः इस बात को कहते हैं कि जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, धर्म का मूल क्या है, जीव दया और कृष्ण नाम, उसकी जीव दया करने के लिए ही इस जगत पर श्री गुरु का आविर्भाव होता है। श्री गुरु कोई शरीर नहीं है, वो शरीर में आता है किसके लिए आता है कि हमसे वार्तालाप कर सके। हम लोग भगवान के निकट नहीं जा सकते, भगवान मुकेश रूप में बिखरे के रूप में खड़े हैं, हमसे वार्ता नहीं करते, लेकिन श्री गुरु हमसे वार्ता करने का अवसर देता है, हमें बताता है क्या ठीक है क्या नहीं है। इसलिए ही श्री गुरु को भगवान का प्रकाश चक्र कहा जाता है, जिसके माध्यम से जगत में श्री भगवान का प्रकाश होता है। ऐसे प्रकाश चक्र स्वरूप में श्री गुरु हमारे निकट आते हैं और वो श्री गुरु क्या देने आते हैं, सर्व विद्या विशारद, समस्त प्रकार की जितनी भी विद्याएं हैं सभी विद्याओं के विशारद है, उनके विद्वान है। और वो विद्या क्या है, एक बात कहकर की श्रेष्ठता हमारे गुरु पाद पद में एक समय है श्री सेवा कुंज में, आप सब वहां गए, वहां पर एक कूप है सेवा कुंज, निधवन में भी एक कूप है, कुआं है और सेवा कुंज में भी कूप है। उस सेवा कुंज में श्री गुरुदेव एक बात कह रहे थे, श्री कृष्ण रास करते समय जब रास लीला का प्रसंग हुआ उस समय गोपांगनाओं को प्यास लगी, उस प्यास के फल स्वरूप श्री कृष्ण ने वहां पर एक कूप एक कुआं वहां पर बनाया, अपने हस्तकमल से गोपांगनाओं के मुख के पसीने को पोंछ रहे थे और बाद में उनकी प्यास की तृप्ति के लिए जल भी कुएं से प्रकट किया, लेकिन सेवा कुंज के उस कुएं को भी प्रकट करके ललिता जी की जो प्यास है वो मिटी नहीं। बोले क्यों, बोले श्री ललिता जी की प्यास तब मिटी जब श्री कृष्ण का श्रीखंड, जब श्री कृष्ण का मस्तक श्री कृष्णानंदिनी के चरणों में झुका, जब उनका मस्तक श्री राधा रानी के चरणों में झुका तब श्री ललिता से कहा हो अब हमें जो है पूर्ण तृप्ति हुई। जैसे प्रभु जी अभी कह ही रहे थे कि उस प्रकोष्ठ से आए हैं, गुरुपाद पद्म साधारण नहीं है, थोड़ा सा भी उनका आनुगत्य करने पर ये तीन प्रकार भी उनकी वाणी को सुनने से और देखा उनके पालन करने से हमें वो क्या वस्तु दे सकते हैं इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमद् महाप्रभु से पहले जो सबसे दुर्लभ वस्तु थी उसी ही वस्तु को गुरुपाद पद ने अपने हृदय में स्वीकार करके जगत के हर जगह पर उस बीज को रोपित किया है, लेकिन वो वस्तु प्राप्त कैसे होगी। आशीष नहीं जानता, हम लोग कृष्ण को जानते हैं नहीं जानते,
अगर हम कृष्ण के विषय में जान रहे हैं तो किसके माध्यम से जान रहे हैं? श्री गुरुदेव के माध्यम से जान रहे हैं, वैष्णव के माध्यम से जान रहे हैं। इसी बात को हमारे आचार्य वर्ग ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी आए थे तब मैं किसी ना किसी रूप में कहीं पर था, जब श्रीमद महाप्रभु इस जगत में आए तब भी मैं कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में रहा हूंगा, अन्य अन्य आचार्य आए तब भी मैं किसी रूप में रहा हूंगा, लेकिन मेरे केश को पकड़ करके मेरे को जबरदस्ती इस मार्ग पर इस रस का पान करवाने वाले, इस विद्या का दान करने वाले कौन रहे? मेरे श्री गुरुदेव रहे। तो श्री सनातन गोस्वामी पाल ने कहा कि हम ही कृष्ण नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता, और हमार उद्धार हेतु तुम्हार करुणा वाणी, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है, मेरा कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं, हालांकि वो दबंग बन गई है, लेकिन होते हुए भी श्रीमद महाप्रभु के चरणों के प्रति शरणागति उन्होंने व्यक्त की है, वो सुनने योग्य है। तो आज वो पांच पंच के चरणों में पुनः पुनः यही प्रार्थना है वहां लेते हैं, ये प्रकार वह चित्त को, शरीर को, मन को कितनी भी मात्रा में गुरु वैष्णवों के चरणों में लगाए। गुरु जी बात कह रहे थे, गुरु जी कहते गुरु और वैष्णव खड़े हो, इस बात को उन्होंने कहा कि वैष्णवों के ऋण से हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि वैष्णवों के माध्यम से ईश्वर गुरु की महिमा जगत में प्रकाशित होती है। तो ऐसे गुरु वैष्णव जगत में वंदनीय है, हमेशा हम रुचय युक्त रहे और ये प्रकार जैसे पतित जीव पर अपनी अकार करुणावश उन्हें किसी मार्ग पर किसी तरीके से बनाए रखे, यही ये जो है उनके चरणों में तभी महिमा है वो फल से परिचित होता है। हम लोग इन कथा सुन रहे हो, संजय प्रभु, अजीत प्रभु, विपिन प्रभु, ये हमारे गुरुदेव के वृक्ष है, और वृक्ष से एक फल है, एक एक फूल है, इसलिए वृक्ष का तभी महत्व है वो फल से है, फल से जिस वृक्ष में हमारे भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के वृक्ष में जो पता चलता है हमारे गुरु कितने महिमा से गुरु पाल इसलिए गुरु बड़े सौभाग्य पाल, इसलिए से नायरा महाप्रभु इस बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कृष्ण रस भाविता पति क्रियता मुक्ता क्रिया दि लभते तत्र लौल्य मुक्ता कला स्फूर्त लभते। तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, बोले भक्ति कैसे होता है, उससे भी बड़े हैं अगर कोई राधा रानी की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ हो, अगर ऐसे भक्तों का अगर हमें संग मिल जाए तो लेकिन करोड़ों सुकृति से जो कुछ नहीं मिलेगा वो संतों की कृपा से मिलेगा। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान हैं हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी का जो हमें संग मिला है, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। देखो समय बहुत हो गया है, ये गरीब है हमारे जो गरीब के जो भक्त लोग हैं जिन लोगों ने व्यवस्था किया, कौन कौन है, क्या नाम है बोलो, अरे बोलो मनोज प्रभु जी और श्री भक्त लोग ने बड़े धूमधाम से सभी के लिए प्रसाद दी, सीमा दी और उसके सबके उनका परिवार सब परिचित है, और इन लोगों ने बड़े ठार वाड़ से ये गुरुपुर के माता पिता इन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से मनाया, इसलिए आप इनके लिए जोरदार गाली बजाओ। इतने बढ़िया लगा अपना गुरु व्यवस्था किया आप लोगों के लिए, कहीं के भक्त लोगों ने सब लोगों ने कुछ ना कुछ चांदा दिया है, जिन लोगों ने एक अन्न का दाना भी इसमें दिया है गुरु पूजा के लिए,
और ये व्यास जाते हैं हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं गुरु जी ये सबको आशीर्वाद दे सबको भक्ति और सबको प्रेम प्रदान करे और जितने भक्त लोग आप यहाँ आए हो ये गुरु पूजा के लिए व्यास पूजा कीजिए गुरुदेव को प्रार्थना करते गुरुदेव अब सबको करके कृपा करे भक्ति दे अभी आप लोग वहीं पर बैठ जाओ हम लोग अभी श्री गुरु जी की आरती करेंगे तो ध्यान को बंद कर दो गुरु जी की आरती करेंगे उसको बाद में आरती को बाद में फिर आप लोग सबके सब प्रसाद लेकर के सबके सब जाना ठीक है और हमारे गीत प्रभु संजय प्रभु और श्री कमल कमल प्रभु और श्री विपिन प्रभु गोपी जी और जिन भक्तों ने यहाँ पर आए हैं सबके साथ गुरु जी की कृपा हो गुरु जी का सबके ऊपर में आशीर्वाद हो फिर शाम को हम जनकपुरी में भी एक व्यास पूजा जनकपुरी में भी बनाएंगे और जिसका समय हो जहाँ आप लोग वहाँ पधार सकते हैं ठीक है मुझे तो पता हो गया एक बैठा होंगे ना मैं यानी तो आपको पता नहीं भैंस वाले किसम का बाहर था भैंस वाले किसम का बाहर था पैसा दे दो आपसे दो जरूर बोलूंगा श्री गुरु चरणा